हे गाइस थैंक यू सो मच फॉर योर डोनेशन टू प्रोक्सी गन परवींद ताज और तुलिका पंडित जी दोनों ने भी जो है हमारे इस वीडियो जो वन लाइनर था उस पर उन्होंने डोनेशन प्रोवाइड किया आई अप्रिशिएट दैट वन मेरी और हमारी टीम्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका सपोर्ट इसी तरह सपोर्ट बनाए रखिएगा और जो भी बुक्स आपको चाहिए आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में मैंशन में कर दीजिए मैं ज़रूर इस पर लेक्चर बनाऊँगा तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर हमारा रहेगा वन लाइनर सॉरी एम के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वन uh, लाइनर का वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिया है दोस्तों तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर हेलो एवरीवन नमस्कार वेलकम बैक अगेन टू प्रॉक्सी ज्ञान मैं आपका एजुकेटर सैयद शाहबाज दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल पे तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों हमने स्पीडी करंट अफेयर्स की जो लेटेस्ट एडिशन आया था नवंबर का उसको हमने स्टार्ट किया है ऑलरेडी वन लाइनर का वीडियो अपलोड हो गया है दोस्तों आप देख सकते हैं और रिवाइज़ कर सकते हैं तो आज का जो वीडियो है वो कम्प्लीटली एम सी क्यूज़ के ऊपर डिपेंड रहेगा एट हंड्रेड प्लस एम सी क्यूज़ में आपको एक ही वीडियो में सारा कुछ पढ़ाने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और कुछ आपको बुक्स चाहिए जो वाकई में इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए आप उसको जो है कमेंट करके बताइएगा आई रिक्वेस्ट यू ताकि हमको भी आइडिया मिले और हम उस पर ज़रूर लेक्चर लेकर आएंगे दोस्तों लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले एंड फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं मैं थोड़ा इसको जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको भी अच्छा दिखे ओके राइट परफेक्ट रिसेंटली हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसिडर ऑफ टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी युवराज सिंह को बनाया गया है हु ऑफ इंडियन ऑरिजिन हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन तो इनका नाम है ऑप्शन डी ऋषि सोनक दोस्तों रिसेंटली बने हैं एंड रिसेंटली उल्फ क्रिस्टरसन हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच यूरोपियन कंट्री की बात की गई है तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए स्वीडन हो गया एंड हु हैज स्टॉप इन द रिसेंटली रिलीज हुन इंडिया लिस्ट ऑफ डोनर्ट्स फॉर द ईयर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू दट इज ऑप्शन बी शिव नदार विच कंट्री हैज़ बिन रिसेंटली एडिड टू द लिस्ट ऑफ हाई रिस्क कंट्रीज बाई एफ ए टी एफ की बात करें तो ऑप्शन सी म्यन्मार हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन रेजलर टू विन गोल्ड मेडल इन अंडर ट्वेंटी थ्री ंग चैंपियनशिप की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन भी अमन शराव विच कंट्री हैज बीन इंक्लूडेड इन द टॉप ट्वेल्व चेस प्लेइंग नेशन फॉर द मेन टू ओल्ड टीम चेस चैंपियनशिप की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी हो गया इंडिया हाउ मेनी सेटेलाइट हैव बीन पुट इन टू ऑर्बिट ब इसरोस्ट रॉकेट वी एम थ्री एम टू की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन भी थर्टी सिक्स हु अपॉइंटेड एज न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया इन द प्लेस ऑफ तरुण बजाज <laughs> तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है सानिया मल्होत्रा दोस्तों रिसेंटली हुआ हैज बिन इलेक्टेड एज ए न्यू प्रेजिडेंट ऑफ बी की बात करें देन ऑप्शन सी रॉजर बिन्नी को दिया गया है एंड जस्टिस डी वाई चंद्रचूत हैज बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो कौन से नंबर के ये बने हैं दोस्तों करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन भी 50th नंबर के बने हैं नेक्स्ट हुआ हैज बिन अपॉइंटेड एज न्यू एम्बेसडर टू इंडिया ऑप्शन है एलिजाबेथ जॉन्स हो गया दोस्तों सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों विच स्टेट द फर्स्ट पोजिशन इन प्रधानमंत्री आवास योजना सी हो गया उत्तर प्रदेश सो रिसेंटली विच मेल फुटबॉलर करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी हो गया करीम बेंजिमा सो इन विच ईयर इसरो प्लानिंग टू तो लॉन्च चंद्रयान थ्री दोस्तों सोचंद्रयान थ्री कब लॉन्च होने वाला है दैट इज ऑप्शन सी 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इन विच स्टेट विल द फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री बी ऑर्गेइज्ड तो ऑप्शन बी हो गया मध्य प्रदेश एंड अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू विच कंट्री हैड द हाइस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल इन द वर्ल्ड इन टू थाउजेंड ट्वेंटी की बात करें तो उसका करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो गया इंडिया दोस्तों विच सिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज डिक्लेयर्ड ए पब्लिक स्कूल हॉलीडे ऑन दिवाली फ्रॉम द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री राइट आंसर विली ऑप्शन सी न्यूयॉर्केड एज न्यू ब्रांड एम्बेडर ऑफ बंधन बैंक की बात करें तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी हो गया सौरभ गांगुली एंड वेन इज वर्ल्ड फूड डे सेबरेटेड एवरी ईयर तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है सिक्सटींथ अक्टूबर अब्दुल लतीफ राशिदेज बिकम द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री दट इज ऑप्शन बी इराक हो गया दोस्तों चलिए नेक्स्ट देखते हैं सो विच कार मैन्युफैक्चर एज लॉन्च इंडिया का पहला फ्यूल फ्लेक्स इंजिन कार देन ऑप्शन डी हो गया दोस्तों टोयोटा ओके टोयोटा ने जो है इंडिया का पहला फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार निकाला है रिसेंटली विच हैज़ बिकम द इंडियाज़ फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज की बात करें ऑप्शन बी हो गया दोस्तों मोडेरा दैट इज़ गुजरात विच स्टेट हैज़ लॉन्च ए वेबसाइट लिस्टिंग द मोस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्रियल यूनिट्स की बात करें दैट इज ऑप्शन डी झारखंड एंड वेन इज वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेटेड तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी बीस अक्टूबर को हुआज़ बिन इलेक्टेड एज प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें रिसेंटली इनके जो इलेक्शंस हुए थे तो ऑप्शन ही हो गया दोस्तों मल्लिकार्जुन खरगे ओके फर्स्ट नॉन गांधी प्रेजिडेंट इनको कहा जाता है रिसेंटली विच फीमेल क्रिकेटर हैज़ बिकम हैज़ बिन अवॉर्डेड द आई सी सी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द सेट्टेबर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हरमनप्रीत कौर इंडिया दोस्तों रिसेंटली विच मेल क्रिकेटर हैज़ बिन अवॉर्डेड द आई सी सी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑप्शन डी हो गया मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के एंड हाउ मनी पीपल है नोबल प्राइज फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स ऑप्शन भी हो गया दोस्तों तीन लोगों को अवार्ड दिया गया है इन विद स्टेट एज अ प्राइम मिनिस्टर मोडी लॉन्च मिशन लाइफ ऑप्शन सी हो गया दोस्तों गुजरात और एशिया का लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट हैज़ बिन इनाग्रेटेड इन विथ स्टेट ऑप्शन भी हो गया दोस्तों पंजाब हु हैज़ बिन नेम्ड एज अ न्यू डिफेंस सेक्रेटरी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो ऑप्शन ए अरमाने गिरिधर हो गया द ड्राफ्ट नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक कंसल्टेंसी ठीक हैज़ बिन लॉन्च अंडर विच मिनिस्ट्री तो ऑप्शन डी हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड विच ऑफ इट्स रेजिंग डे वॉर सेलिब्रेटेड बाई इंडियन एयरफोर्स ऑन अक्टोबर एट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी हो गया नाइनटी एथ रिसेंटली एलेक्स बयालेट्स की एंड ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन हैव रिसिव नोबल प्राइज फॉर दर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू कौन सी फील्ड में इनको uh, दिया गया है ये मैंने वन लाइनर में भी आपको बताया था ऑप्शन बी पीस प्राइज हु हैज द नोबल प्राइज इन द लिटरेचर फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों एने और मॉक्स हु हैज बिन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज अ डिप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों अजय भाडो हाउ मेनी साइंटिस्ट है टू थाउजेंड ट्वेंटी टू नोबल प्राइज फॉर फिजिक्स की बात करें तो ऑप्शन बी हो गया दोस्तों थ्री पीपुल हु हैज़ बिन इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट एंड को चेयर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें तो ऑप्शन ए इंडिया एंड फ्रांस हो गया है ठीक है हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज अ न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो ऑप्शन बी भारती दास हो गया दोस्तों इन स्टेट इज़ अ नेशनल मेरी हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बींग बिल्ट ऑप्शन सी गुजरात हु हैज़ वन इंडिया का पहला ग्रीको रोमन मेडल इन अंडर ट्वेंटी थ्री रेजलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो दैट इज़ ऑप्शन ए साजन भनवाला दोस्तों वॉट इज़ अ नेम ऑफ यूनिफाइड पेंशनर पोर्टल्स फॉर पेंशनर्स लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट दैन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी हो गया फ्यूचर इन द क्लीननेस सर्वे ऑफ द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू विच हैज़ बिकम द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया फॉर द सिक्स टाइम इन ए रो तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी इंदौर हो गया दोस्तों हुज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है सुजाय लाल थाउसन एंड हु हैज़ रिसीव द नोबल प्राइज़ फॉर दयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इन दील्ड ऑफ मेडिसिन की बात करें ऑप्शन सी हो गया दोस्तों स्वांते पाबू हु हैज द बेस्ट एक्टर्स अवार्ड इन द रिसेंटली गिवेन सिक्सटी एट नेशनल फिल्म अवार्ड्स की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया अपर्णा बाला मुली वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी फोर्टी एथ रैंक चालीसवां रैंक रिसेंटली चंडीगढ़ एयरपोर्ट हैज बिन रीनेम्ड आफ्टर विच फ्रीडम फाइटर तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी भगत सिंह एंड हुज रिसेंटली बिकम द सेकेंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया लेफ्टिनेंट जी अनिल चौहान जी को बनाया गया है हु हैज वन द बुकर प्राइज टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी शिहान करुणाटालिका हु हैजिकम द फर्स्ट इंडियन मेन हडलर टू ब्रेक द हंड्रेड मीटर्स हडल्स इन थर्टीन सेकंड ऑप्शन डी हो गया दोस्तों दट इज ज्योति या राजी है ज्योति या राजी लिविंग प्लानिट रिपोर्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू हेज़ बिन रिलीज बाय विच इंस्टीट्यूट करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन भी हो गया दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड फंड हो गया विच इंडियन सिटी हैज़ वोन द वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें दैट इज ऑप्शन ए हो गया दोस्तों हैदराबाद द फिफ्थ मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलाइंस इज बींगल्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी हो गया दोस्तों इंडिया इन विच इंडियन लैंग्वेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च एम बी बी एस कोर्स बुक फॉर द फर्स्ट टाइम दैन द करेक्ट आंसर विल भी ऑप्शन बी हिंदी हो गया दोस्तों ठीक है सो ऑन विच रूट वंदे भारत बेस्ड फ्लाइट सर्विस इज बिंग स्टार्टेड ऑप्शन सी डेली और मुंबई के बीच में द ऑब्जेक्ट ऑफ पी एम डिवाइन स्कीम इज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विच रीजन ऑफ इंडिया ऑप्शन डी हो गया दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न रीजन विथ विच कंट्री इंडिया हेज एक्सटेंडेड द वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम टिल द ईर टू थाउजेंड ट्वेंटी सेवन तो ऑप्शन सी हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विच कंपनी हैज़ डेवलप इंडियाज़ फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्राइट ट्रेन रेक की बात करें तो ऑप्शन डी होगा दोस्तों हिंडाल को विच कंट्री होस्टेड द नाइनटीन्थ इंटरपोल जनरल असेंबली तो ऑप्शन भी होगा दोस्तों इंडिया एंड वॉट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो ऑप्शन सी वन नॉट सेवन दोस्तों इन विच आई आई टी प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज़ लॉन्च परम कुरूप कमरूप सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी की बात करें तो ऑप्शन डी होगा दोस्तों आई आई टी गुवाहाटी पी एम नरेंद्र मोदी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बल्क ड्रग पार्क इन विच स्टेट दैट इज ऑप्शन सी हो गया जैसे हिमाचल प्रदेश इन विच कंट्री वॉज अ सिक्स समिट ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑन इंट्रैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया हेल्ड तो ऑप्शन बी हो गया कजाकिस्तान इन विच कंट्री साइंटिस्ट ऑफ डिस्कवर एंड इको सिस्टम द ट्रैपिंग जोन तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन डी हो गया मालदीव्स दोस्तों ठीक है India has won bronze medal by defeating which country in the IWSF World Championship 2022. So is the correct answer hai, that is option B Germany. Which country has recently imposed a visa restriction on members of Taliban who are responsible for oppression of women and girls in Afghanistan? The which country is the correct answer is that is option A hai, United States of America. सो एजुकेशन फोर पॉइंट फोर इंडिया रिपोर्ट हैज़ बिन लॉन्च बा विच इंस्टीट्यूट तो दैन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश इज द फेमस श्री महाकालेश्वर टेम्पल लोकेटेड ऑप्शन ए उज्जैन हो गया दोस्तों विच एकेडमिशियन हैज़ वोन द यू ए टॉप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड देन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी वजाहत हुसैन एंड हुज़ वोन द यू एन एच सी आर नानस एंड रेफ्यूजी अवार्ड फॉर द इयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें ऑप्शन डी हो गया दोस्तों एंजिला मार्कल ड एज प्रिस ऑफ ए पी ए ट्राइब्यूनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो ऑप्शन बी दिनेश कुमार शर्मा विच स्टेट लॉन्च एंटी डस्ट कैंपेन टू कंट्रोल एयर पोलूशन सी डेली हो गया है सो विच कंपनी डन सर्टिफिकेशन की बात करें तो उसका सही जवाब है ऑप्शन डी एस्ट्रिया एरोस्पेस लिमिटेड करेक्ट आंसर विल भी ऑप्शन सी हो गया दोस्तों पंकजल्टेड चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट जी हाँ इज ऑप्शन डी राजस्थान हाई कोर्ट तेले मानास initiative is an initiative related to which health service की बात करें तो ऑप्शन ए मेंटल हेल्थ हो गया विच स्टेट हेज अनाउंस इंडिया फर्स्ट काडावूर स्लेंडर लॉरिज की बात किया जाए जा दोस्तों देंट द करेक्ट आंसर विल बी दैट इज़ ऑप्शन सी तमिलनाडु विच कंपनी है विच कंट्री हैज़ लॉन्च को ऑफू वन सेटेलाइट टू अन ट्रेवल द मिस्ट्रीज ऑफ द सन ऑप्शन भी हो गया दोस्तों चाइना विच कंपनी हैज़ मैन्युफैक्चर द इंडिया में ड्रोन जो कि नाम भी ड्रोन ही रखा है उन्होंने तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गरुड़ा एयर स्पेस और इन विच कैटेगरी कैरोन बर्तौजी मॉर्थन मंदल और के बारिश आरप्लेस नोबल प्राइज मिला है कौन से फील्ड uh, में तो ऑप्शन ए हो गया दोस्तों केमिस्ट्री विच कंट्री हैज़ बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड तो ऑप्शन डी हो गया इंडिया हु हैज बिकम द फर्स्ट अमेरिकन बोर्न उमेन टू ट्रैवल इन स्पेस दोस्तों ऑप्शन सी निकोल मन नेक्स्ट इन विच स्टेट वॉज अ विशाल किसान सम्मेलन वर्कशॉप ऑर्गेनाइज बाई नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड कोऑपरेटिव इंडिया की बात करें तो hmm. इसका जो सही जवाब है दोस्तों दैट इज ऑप्शन ए हो गया हरियाणा हु हैज़ बीन मेड नैशनल आईकॉन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑप्शन बी पंकज त्रिपाठी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो इंडिया हेज हैंडल ओवर मेड इन इंडिया मोटर बाइक्स टू विच कंट्री एज ए बायोलिटरल ट्रेड ऑप्शन है लेबनन दोस्तों विथ विच कंट्री इंडिया नेवी हैज साइंड एन एग्रीमेंट ऑन वाइट शिपिंग इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया न्यूजीलैंड ओके हर स्टार्ट इज अ स्टार्टअप प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाई विच यूनिवर्सिटी दैन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी गुजरात यूनिवर्सिटी एंड हुजन द टू थाउजेंड ट्वेंटी टू नोबल प्राइज़ इन मेडिसिन और साइकोलॉजी की बात करें तो इसका जो सही जवाब है दैट इज़ ऑप्शन सी हो गया स्वांते पाबो विच इंडियन अमेरिकन हैज़ बीन ऑनर्ड विथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दैन ऑप्शन सी हो गया दस्तो विवेक लाल

एंड फॉर विच एरिया एज उत्तर प्रदेश कैबिनेट अप्रूव्ड रानीपुर टाइगर रिजर्व दट इज ऑप्शन ए बुंदेलखंड दोस्तों हुज़ बिकम द फर्स्ट यूरोपियन यूमेंट टू कमांड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तो ऑप्शन सी हो गया समंता क्रिस्टो फोराटी इन्वेस्टेड एज अ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज रिसली फाउंड द रिइंड ऑफ बुद्धिस्ट केव्स एंड टेम्पल तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों मध्य प्रदेश रिसेंटली हु हैज़ बिन अवार्डेड द क्वीन एलिजेथ टू वूमेन ऑफ द ईयर अवार्ड तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों सुयला ब्रेवरमैन एंड हुज़ अपॉइंट एज अ न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू कैनाडा तो ऑप्शन ए हो गया दोस्तों संजय कुमार वर्मा रिसेंटली द इंडियन प्लेयर जुलान गोस्वामी रिलेटेड टू विच स्पोर्ट हैज़ रिटायर फ्राम इंटरनेशनल क्रिकेट दट इज ऑप्शन ए हो गया दोस्तों क्रिकेट और वे विल बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटैली ऑप्शन है जॉर्जिया मेलोनी दोस्तों नेक्स्ट वेन इज वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो ऑप्शन भी हो गया ट्वेंटी सेवन सेप्टेम्बर हु हैज़ बिन गिवन द फिफ्टी सेकंड दादा साहेब पालके अवार्ड फॉर द ईर टू थाउजेंड ट्वेंटी की बात करें तो ऑप्शन बी आशा पारे हु हैज़ बिन इलेक्टेड एज न्यू प्रेजिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों दिलीप टिरके एंड हुज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ आई सी एम आर की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया डॉक्टर राजीव बहल हुज़ रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट इंडियन टू बिकम द ओनर ऑफ थाउजेंड करोड्स ऑफ एसेट्स की बात करें तो कौन बने हैं ये दैट इज़ कावल्या वोहरा जल्दूत दैप हेज बिन डेवलप बाई विच्स मिनिस्ट्री दोस्तों दैट इज ऑप्शन सी हो गया मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और हुज बर्थ एनिवर्सरी अंटोदया डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन ट्वेंटी फिफ्थ से ऑल ओवर इंडिया तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी पंडित दीनदयाल उपाध्याय सो वेन इज इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे सेबरेटेड एवरी ईयर तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों ट्वेंटी थर्ड सेप्टेम्बर को इनविस्ट डिट प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू रिसेंटली एच एल इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजिन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी दैन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी हो गया दोस्तों बैंगलोर एंड स्वच्छ टॉयकथान कॉम्पिटिशन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन भी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स वर्ल्ड रोज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन ट्वेंटी सेवन सेप्टेंबर फॉर अ पीपल सफरिंग फ्रॉम विच डिजीज दैट इज ऑप्शन ए हो गया दोस्तों कैंसर एंड वेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ पीस सेलब्रेटेड एवरी ईयर तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी हो गया ट्वेंटी फर्स्ट सेप्टेम्बर दोस्तों विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिस्कवर्ड ए रेयर लूनार क्रिस्टल एंड न्यूक्लियर पावर सोर्स नियर द मून ऑप्शन ए हो गया चाइना एंड हु हैज वोन द टाइटल ऑफ सैफ सॉरी सैफ वुमेन्स चैम्पियनशिप नॉट सैफ इट्स अ सैफ वुमेन्स चैम्पियनशिप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन सी हो गया दोस्तों बांग्लादेश द फेमस पर्सन राजू श्रीवास्तव हैज़ अवे एट द एज ऑफ फिफ्टी एट ये कौन थे बहुत ही अच्छे कॉमेडियन थे, थे दोस्तों एंड हुज़ बिकम द सेवेंटी सिक्स ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया रिसेंटली ऑप्शन डी हो गया दोस्तों प्रणव आनंद एलविस अली हजारिका द फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट इंडियन टू क्रॉस द नॉर्थ चैनल बिलोंग्स टू विच स्टेट दैट इज ऑप्शन ए आसाम विच स्टेट हैज लॉन्च सी एम द हाई सी वेब पोर्टल की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी हो गया मनीपुर विच फिल्म हैज बिन अनाउंस एज ए इंडियन ऑफिशियल या फिर इंडियाज ऑफिशियल एंट्री इन ऑस्कर 2023 की बात करें तो ऑप्शन डी छेलो शो दर इंडियन प्लेयर नरेश कुमार रिलेटेड स्पोर्ट पास अनाउंस फेडरस रिटायरमेंट ये भी टेनिस के ही है दोस्तों। हैच डेट नेशनल हिंदी डे ईयर तो ऑप्शन बी चौदह को विच मेल क्रिकेटर हैज बिन अवॉर्डेड द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दू थाउज ट्वेंटी टू दैट इज ऑप्शन सी हो गया दोस्तों सिकंदर रजा जो कि जिम्बाबे के हैंज बिन अपॉइंटेड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने हैं आर वेंकट रमणी जी विच हैजिकम द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू हैव इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी सिस्टम दैट इज ऑप्शन ए एच डी एफ सी बैंक दोस्तों विच कंट्री हैज रिसेंटली चेंज द नेम ऑफ इट कैपिटल अगेन टू अस्थाना तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन सी हो गया कजाकिस्तान विच कंट्री विल होस्ट क्रिकेट वुमेंस एशिया कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑप्शन डी हो गया दोस्तों दैट इज बांग्लादेश इन विच कंट्री द फर्स्ट ट्राई लेटर फॉरिन मिनिस्टर्स मीटिंग बिटवीन इंडिया फ्रांस एंड यू ई हैज़ बीन हेल्ड तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी यू एस एज बिकम द न्यू सी ई ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया ऑप्शन सी हो गया संजय खन्ना जी विच टेनिस प्लेयर हैज़ वोन द मैन सिंगल टाइटल एट यू एस ओपन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू चैम्पियनशिप तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी कैरल अलकर विच कंट्री विल प्रिसाइड ओवर ब्रिक्स समिट इन द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री तो ऑप्शन बी हो गया दोस्तों साउथ अफ्रीका एंड विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू विद्रॉ द कैटल कंट्रोल बिल करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात हो गया है ठीक है रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च इंदिरा गांधी सहकारी रोजगार योजना की बात करें तो ऑप्शन बी हो गया राजस्थान एंड विच कंट्रीज क्रिकेट टीम हैज हैजन द एशिया कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑप्शन सी हो गया दोस्तों श्रीलंका हु हैज़ बिकम द न्यू हेड ऑफ़ द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन तो वॉलकर तुर्क को बनाया गया है वॉट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन दूमन डेवलपमेंट इंडेक्स फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन रिलीज बाई यू एन डी पी रिसेंटली सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ए क्वेश्चन तो ऑप्शन ये हो गया दोस्तों वन थर्टी सेकेंड रैंक है ठीक है चलिए इंडियन ऑरिजिन बैरिस्टर सुयेला ब्रेवरमैन हैज़ बिकम द न्यू होम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री तो ऑप्शन भी हो गया ब्रिटेन And which naval ship has decommissioned by the Indian Navy on September 19, 2022, which had served for 32 years? So, option A is INS. Ajayi, dosto. Okay. In which country's lab a new wolf, Maya, has been prepared by cloning Arctic wolves for the first time in the world? So, option D is China. So, Indian Army has decided to shift the Army Day Parade of 2023 to which area? Option A is Southern Command. The science magazine Vignan Pragati. राजभाषा कीर्ति पुरस्कार टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इज रिलीज बाई विच इंस्टीट्यूट दैट इज ऑप्शन डी हो गया दोस्तों सी एस आई आर हुजिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन फोर मेडल्स कितने चार मेडल जीते हैं एट वर्ल्ड रेजलिंग चैंपियनशिप में दैट इज ऑप्शन बी हो गया बजरंग पूनिया विच कंट्री हैजर्ज एज अ लार्जेस्ट बायोलेटर लैंडर टू श्रीलंका तो ऑप्शन ए इंडिया इज राइट आंसर फॉर द सेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री

नीरज चोपड़ा एज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड एट गोल्ड मेडल इन जैवलिंग इन कौन से चैम्पियनशिप में ये आपको बताना है ये डायमंड लीग चैम्पियनशिप हुआ था दोस्तों यहाँ पे भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है उसके बाद हुआ एज बिकम द न्यू किंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम तो करेक्ट आंसर है दोस्तों दैट इज ऑप्शन ए प्रिंस चार्ल्स टू यूनिवर्सिटी ऑफ बांग्लादेश द मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट हैज़ बिन एस्टैब्लिश्ड देन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी कुल्हा वेदांता पटेल ऑफ इंडियन ऑरिजिन इज अड ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ विच कंट्री डिप्यूटी स्पोक्स पर्सन की बात करें तो ऑप्शन बी हो गया दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स हु हैज बिकम द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन दैन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी कल्याण चौबे दोस्तों आफ्टर विच इंडियन सिंगर रिसेंटली अ स्ट्रीट इन कैनेडा सिटी ऑफ मरखम हैज़ बीन नेम्ड ऑप्शन सी ए आर रहमान ग्रीन फिन हब ए ग्लोबल डिजिटल प्लेटफॉर्म

इंजीनियर्स डे इन इंडिया सेलिब्रेटेड टू कमरेट हुज बर्थ एनिवर्सरी ऑप्शन भी हो गया दोस्तों एम विश्वेश्वरैया हाउ मैनी सेलिब्रिटीज है रैमन मैक्स अवार्ड फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑप्शन बी हो गया दोस्तों फोर ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं सो हु हैज़ बिकम द न्यू सी ई ऑफ इंडियन ऑरिजिन मल्टी नेशनल कंपनी स्टार बक्स बहुत ही फेमस कंपनी है तो ऑप्शन सी लक्ष्मी लक्ष्मण नरसिम्हन एनविच यूनियन टेरेटरी इंडिया का पहला वर्चुअल स्कूल हैज़ बिन लॉन्च दोस्तों ऑप्शन सी डेली हो गया हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो तो वसुधा गुप्ता जी हैं एंड वेन इज़ वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है सेकेंड सेप्टेम्बर दोस्तों विच इंडियन ब्यूटी हैज़ रिसेंटली वोन द टाइटल ऑफ मिस दीवा यूनिवर्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी हो गया दिविता राय हु हैज़ रिसिव द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द दिक्सथ फिल्मेयर अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें देन ऑप्शन बी हो गया दोस्तों रणवीर सिंह एंड कॉल इन डे ग्रैंड होम द प्लेयर ऑफ विच कंट्री हैज़ रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट दैट इज ऑप्शन सी न्यूजीलैंड ऑन विच डेट नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर दोस्तों ऑप्शन बी ट्वेंटी नाइन्थ इन इनविस्ट सिटी इंडिया का पहला रीजनल नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल हैज़ बीन अनाउंसड ऑप्शन ए भोपाल मध्य प्रदेश हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू एम डी एंड सी ऑफ आई डी एफ सी बैंक फॉर द नेक्स्ट टू ईयर्स की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों महेंद्र शाह

विच प्लानेट डिसअीयर फ्रॉम साइट ड्यूरिंग द लूनार एक्लिप्स ऑफ सप्टर फोर्टीन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो गया यूरानस इंडिया इज डिसाइडेड टू इन्वर्ट विच कंट्री एज अ गेस्ट ड्यूरिंग जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी की बात करें तो ऑप्शन डी बांग्लादेश इन विच ईयर इंडिया विल होस्ट द जी ट्वेंटी समिट तो आने वाले साल में दोस्तों टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में होस्ट करने वाले हैं इस साल इंडोनेशिया कर रहे हैं इन विच स्टेट इंडिया लॉन्गेस्ट रबर डैम एज बिन इनागरेटेड रिसेंटली तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है बिहार विच इंडियन सिटीज हैव ज्वाइन द यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटी दोस्तों देन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी हो गया वरंगल त्रिसूर एंड नीलामपुर विच स्टेट विल होज द मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री कौन सा स्टेट है उड़ीसा हो गया हाउ मेनी स्टेट्स विल कांग्रेस पार्टी रन द भारत जोड़ो यात्रा तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों बारह ट्वेल्व स्टेट्स ठीक है सो इनवे स्टेट इंडिया का फर्स्ट बायो विलेज हैज़ बिन इस्टब्लिश्ड तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी त्रिपुरा इंडिया का पहला नाइट स्काई सैंचुरी विल बी ओपन इन विच स्टेट और यूनियन टेरेटरी की बात करें तो ऑप्शन भी हो गया लद्दाख हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज फिफ्टी सिक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑप्शन बी ऋषि सोनाक इन विच कंट्री इंडियन आर्मी चीफ मनोज पांडे हैज़ बीन अवार्डेड द ऑनररी रैंक ऑफ आर्मी जनरल की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नेपाल विच ऑर्गेनाइशन हेज डेवलप इंडिया का पहला नेशनल वैक्सीन रिलेटेड टू कोविड नाइन्टीन विच हैज़ गॉड डी जी सी आई अप्रूवल देन द करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी हो गया दोस्तों भारत बायोटेक इन विच स्टेट ऑफ इंडिया विल बी द थर्टी सिक्स नेशनल गेम्स बी ऑर्गेनाइज कौन से स्टेट में ऑर्गेनाइज करने वाला है इंडिया ए गुजरात में इन विच स्टेट ऑफ इंडिया ए न्यूज पीसिस ऑफ क्रैप नेम घटियाना द्वे वर्ना हैजिन डिस्कवर्ड ऑप्शन ए कर्नाटका दोस्तों विच कंट्री हज़ बिकम फिफ्थ लार्जेस्ट इकानमी इन द वर्ल्ड ओवरटेकिंग यूनाइटेड किंगडम ऑप्शन भी होगा दोस्तों इंडिया विच इंडियन कंपनी हैज़ अनाउंस टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लान्टन गुजरात दैट इज ऑप्शन है रिलायंस इंडस्ट्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनवील्ड द न्यू फ्लैग मार्क फॉर विच आर्म फोर्सेज की बात करें तो ऑप्शन भी हो गया दोस्तों इंडियन नेवी विच स्टेट हैज़ लॉन्च रूरल बैक कैट पिगरी योजना फॉर द वेलफेयर ऑफ फॉमर्स ऑप्शन ए हो गया मेघालय विथ टीम बिकम द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई फॉर द सुपर फोर स्टेज इन एशिया कप 2022 तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है अफगानिस्तान हु वॉज ऑनर्ड विथ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट सिक्सटी सेवंथ फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी सुभाष घाए दोस्तों विद सिटी हैज बिन डिक्लेयर एज अ सेफेस्ट सिटी इन इंडिया इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन एज पर द रिपोर्ट्स ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन भी हो गया कोलकाता हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द गोल्ड एट वर्ल्ड कैडेट जूडो चैंपियनशिप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू देन ऑप्शन भी हो गया दोस्तों लिंथॉय सिनाबम नेक्स्ट देखते हैं इन विच स्टेट एज अ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली नॉगरेटेड इंडिया फर्स्ट अर्थक्विक मेमोरियल की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात हो गया हु हैज़ बीन सोन इन द फोर्टी नाइन्थ दीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑप्शन सी धनंजय वाय चंद्रचूत सो हुज़ वन द मेन्स एंड वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ़ बी डब्ल्यू एफ वर्ल्ड चैंपियनशिप तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन भी हो गया विक्टर एक्सलसन एंड अकाने यामागुची वेन इज वुमेन्स इक्वलिटी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ये आपको 26 अगस्त के दिन मनाया जाता है ओके सो वो हैज बिन अवॉर्डेड द यूनिस्को पीस प्राइज टू की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी हो गया दोस्तों एंजिला मर्कल हाउ मनी टीचर्स हैव बिन सेलेक्टेड फॉर नेशनल टीचर अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो फोर्टी सिक्स टीचर्स को सेलेक्ट किया गया ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर द बुक न्यू इंडिया वॉज रिलीज अरुण जेटली जी विथ विच नाइबरिंग कंट्री इंडिया साइंड ए कंसल्टेंसी अग्रीमेंट फॉर टू रेलवे प्रोजेक्ट्स ऑप्शन ए हो गया दोस्तों बांग्लादेश विथ सीनियर लीडर हैज़ रिसेंटली रिजाइन फ्राम ऑल पोस्ट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी किसने रिज़ाइन कर दिया है ऑप्शन डी गुलाम नबी आज़ाद वेयर वॉज द एइट इंडिया ब्रेजील ज्वाइंट कमीशन मीटिंग हेल्ड रिसेंटली तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों हु हैज बैक द कॉन्ट्रैक्ट एज ऑफिशियल नेशनल टीम स्पॉन्सर ऑफ श्रीलंका क्रिकेट टीम फॉर एशिया कप टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू की बात करें तो ऑप्शन बी फेयर प्ले न्यूज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंटीरियम कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम फॉर एशिया कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू का जो इंटीरियम कोच किसे बनाया गया वी वी एस लक्ष्मण जी को बनाया गया है सो हैज बिन अवारेड द लिबर्टी मेडल दो हजार बाविश की बात करें तो ऑप्शन ए लॉर्डमर जेलेंस्की दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनाग्रेटेड होमी बाबा कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इन विच स्टेट दैट इज ऑप्शन ए पंजाब अंडर विच कैटेगरी बांग्लादेश ओरिजिन फाहमिडा अजीम हैज वन द पुलिटर प्राइस टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दैट इज ऑप्शन सी होगा इलिस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कॉमेंट्री जेम्स ऑफ टेलीस्कोप हैज रिसेंटली कैप्चर न्यू पिक्चर्स ऑफ विच प्लानट की बात किया जाए तो ऑप्शन बी होगा दोस्तों जुपिटर ज बिकम द फास्टेस्ट एजिंग कंट्री इन द यूरोपियन यूनियन तो ऑप्शन सी हो गया पोर्तुगाल इन विच स्टेट इंडिया का पहला ऑब्जर्वेटरी तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों उत्तराखंड नॉमिनेटेड बाय द गमेंट ऑफ इंडिया टू बी इंक्लूडेड इन यूनेस्को इन टेबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट दट इज ऑप्शन है गरबा हो गया इन विच कंट्री द एनुअल मीटिंग ऑफ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ एस विल बी हेल्ड तो ये उसके विस्तार में हुई थी एंड इंडिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस हैज़ बिन अनवील्ड इन विथ सिटी तो ये आपको पुणे में देखने को मिलेगा चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल बी रीनेम्ड आफ्टर होम किसके नाम पे रखने वाले हैं ऑप्शन सी शहीद भगत सिंह दोस्तों इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप आर टी पी सी आर किट टू टेस्ट फॉर मंकी पॉश हैज़ बिन डेवलप बाई विच कंपनी दैट इज ऑप्शन बी हो गया ट्रांस एशिया बायोमेडिकल दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वॉट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस बिल्ट एयरक्राफ्ट रियर uh, क्या नाम है उसका ये पूछा जा रहा है तो ऑप्शन है एन एस विक्रांत हाउ मेनी मेडल्स हैज द इंडियन रेजलिंग टीम वन अंडर ट्वेंटी टू वर्ल्ड चैम्पियनशिप की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो ग्यारह सौ सोलह सिक्सटीन इन विच कंट्री वॉज द बाइन वॉरफेयर एक्सेस पिच ब्लैक हेल्ड तो ये कहाँ पे हुई थी दोस्तों ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में सैयद सिपते राजी डाइड ऑन ट्वेंटी दैट इज बीस अगस्त को ही सर्व एज अ गवर्नर ऑफ विच स्टेट तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है झारखंड हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू विन गोल्ड इन अंडर ट्वेंटी वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप की बात करें तो ऑप्शन सी अंतिम पंगाल दोस्तों दही हांडी इज रिक्नाइज एज एन ऑफिशियल स्पोर्ट इन विच स्टेट तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी हो गया दोस्तों महाराष्ट्र विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट इन इंडिया तो ऑप्शन भी होगा दोस्तों गोवा इन विच साउथ अमेरिकन कंट्री एक्शनल अफेयर्स मिनिस्टर यस जयशंकर हैज़ अनवील्ड द स्टैचू ऑफ महात्मा गांधी ऑप्शन ये हो गया दोस्तों पैराग्वे यूनिवर्सिटी इंडिया का पहला डबल डेकर ए सी इलेक्ट्रिक बस हैज़ बीन अनवील्ड तो ऑप्शन सी हो गया मुंबई विच लीडर हैज नॉट बीन नॉमिनेटेड एज मेंबर ऑफ बीजेपी पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करें तो उसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी नितिन गडकरी यूनिवर्सिटी इंडिया का पहला थ्री डी प्रिंटेड कॉर्निया हैज़ बिन डेवलप्ड तो करेक्ट आंसर विल भी ऑप्शन बी हैदराबाद विस्ट स्टेट विदर्डर रोड ऑर्गेनाइजन बिल्ड स्टील स्लैक रोड दोस्तों दट इज ऑप्शन ये हो गया अरुणाचल प्रदेश विच कंट्री आज साइंड सेवन फिफ्टी बिलियन डॉलर क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ केयर बिल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन विच सिटी द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च इस फर्स्ट ब्रांच फॉर स्टार्टअप की बात करें तो ऑप्शन सी बेंगलुरु हमारा ही शहर है मंथन मंच हैज बीन स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर व्हाट पर्पस तो ऑप्शन ही हो गया दोस्तों कोऑपरेशन इन आरएनडी सद्भावना दिवस सदभावना दिवस सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंट ऑगस्ट एज एनिवर्सरी ऑफ विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों राजीव गांधी विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया एज लॉन्च डिजी यात्रा प्रोग्राम फॉर फ्रॉम आगस्ट 18 2022 की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन भी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंडिया हैज़ गिफ्टेड द डॉनियर मैरीटाइम रिकगनाइज एयरक्राफ्ट विच नेबरिंग कंट्री की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों श्रीलंका हुज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट फ्रेंडशिप स्टार्टअप फॉर सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो ऑप्शन बी रतन टाटा दोस्तों विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च स्माइल सेवेंटी फाइव इनिशियेटिव ऑप्शन डी हो गया मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पॉरमेंट एंड स्कूल क्लीनस एजुकेशन प्रोग्राम इज एन इनिशियेटिव लॉन्च इन विच स्टेट दैट इज ऑप्शन बी हो गया दोस्तों उत्तराखंड विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अप्रूव द ओमिक्रॉन वैक्सीन की बात करें तो ऑप्शन सी होगा दोस्तों यूनाइटेड किंगडम विच ऑर्गेनाइजेशन ऑन द अकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू फ्रॉम अर्थ इंडियन नेशनल फ्लैग इज हॉइस्टेड थर्टी किलोमीटर अबाउ तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए हो गया स्पेस किट्स इंडिया नेक्स्ट है द अगस्त मैला रीजन ऑफ विच स्टेट हैल गवर्नमेंट एज द फिफ्थ एलिफेंट रिजर्व ऑफ स्टेट तो ऑप्शन डी है तमिलनाडु हु हैज़ बिन गिवन द हाइस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ़ द फ्रांस शिवालियर डी ला रीजियन डी ऑनर रिसेंटली तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी शशि थरूर जी को दिया गया बायोलिट्रल एक्सरसाइज उधर शक्ति इज बींग ऑर्गेनाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री मलेशिया के बीच में एंड वेन इज इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड बारह अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों विच टू कंट्रीज हैव है फ्रॉम द कोऑपरेशन ग्रुप फॉर्म बिटवीन इंडिया सॉरी बिटवीन चाइना एंड सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज तो ऑप्शन डी हो गया स्लैटिया विच ऑफ द फॉलिंग अप्रूव एज अ बूस्टर डोज इन इंडिया फॉर द पीपल अबव 18 ईयर्स ऑफ एज ऑप्शन बी कॉर्बेवैक्स रिसेंटली वो हैज बिन ऑनर्ड विद सिविलियन ऑनर ऑफ़ द यूनियन ट्रेटरी ऑफ लद्दाख की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया जैसे दलई लामा एंड वर्ल्ड एलिफेंट डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट तो ऑप्शन डी हो गया बारह अगस्त को वेन इज वर्ल्ड लाइन डे सेलिब्रेटेड दस अगस्त को मनाया जाता है रिसेंटली इन्वेस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज डेडिकेटेड टू जी इथिनॉ प्लान टू द नेशन तो ये हरियाणा में इनाग्रेट किया था एंड वेन इज़ वर्ल्ड बायोफील्ड डे सेलिब्रेटेड दोस्तों तो ऑप्शन बी हो गया दस अगस्त के दिन और इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो विल बी इनागरेटेड इन विथ सिटी कौन सी सिटी में इनागरेट करने की बात की गई है कोलकाता में वैन विल बी द ट्वेल्थ एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो भी हेल्ड इन गुजरात तो ऑप्शन डी हो गया अक्टूबर दो हज़ार बाईस न्यू डेली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर हैज़ बीन रीनेम्ड एज ऑप्शन सी इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर दोस्तों हाउ मेनी मेडल्स हैज़ इंडिया वोन इन द कॉमनवेल्थ गेम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू हेल्ड इन बर्मिंग हैम तो ऑप्शन सी हो गया सिक्सटी वन एंड वेट डिट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनागरेट एशियास लार्जेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल अमृता हॉस्पिटल की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों फरीदाबाद हरियाणा परवेस मार्केट लिंकेज स्कीम हैज़ बिन लॉन्च बाई विच यूनियन ऑफ इंडिया तो ऑप्शन भी हो गया दोस्तों जम्मू कश्मीर डॉक्टर एन कलाई सेल्वी हैज बिकम द फर्स्ट वन डायरेक्टर जनरल ऑफ विच इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों दैट इज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सो विच इंडियन स्टेट हैज़ अपॉइंटेड इंडिया एज इट एडवाइजर की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी हो गया दोस्तों उत्तर प्रदेश हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स हैज इंडियन कंटीजेंट वन इन द कॉमनवेल्थ गेम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी ट्वेंटी बाईस मेडल हु हैज़ हुज़ बिनलेक्टेड एज फोर्टींथ वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया तो ऑप्शन बी हो गया जगदीप धनकर साहब वेयर वॉज द फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन क्लीन एयर समिट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू हेल्ड ऑप्शन सी बेंगलोर कर्नाटका बिटवीन विच टू सिटीज इन इंडिया आकाशा एयर्स फर्स्ट फ्लाइट हैज़ बीन इनागरेटेड मुंबई टू अहमदाबाद दोस्तों

डी हो गया बिहार एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी दोस्तों विच इंडियन फीमेल बॉक्सर हैज वोन द गोल्ड मेडल इन वुमेन्स फिफ्टी के जी बॉक्सिंग कैटेगरी एट द कॉमनवेल्थ गेम्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो ऑप्शन ई हो गया निखत जरीन यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया फर्स्ट रीजनल नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल हैज हैजिन अनाउंस रिसेंटली तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है भोपाल हो गया दोस्तों हु हैज बिकम द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आई एम एफ इन इंडिया तो ऑप्शन भी हो गया के सुब्रमण्यम एंड हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ डी आर डी ओ की बात करें तो ऑप्शन सी समीर वी कामत हो गया रूसेंट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हेज अनाउंस टू बिल्ड इंडियाज फर्स्ट नाइट सफारी ऑन द लाइन्स ऑफ सिंगापुर इन विथ सिटी तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों लखनऊ एंड रिसेंटली विथ स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू क्रिएट एजुकेशन टाउनशिप की बात करें तो ऑप्शन बी हो गया दोस्तों उत्तर प्रदेश सो रिसेंटली हुज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों दैट इज़ ऑप्शन ए हो गया देवशिश मोहंटी एंड विच कंट्री हैज अगेन ब्रोकन इट्स ओन रिकॉर्ड ऑफ लोएस्ट फर्टिलिटी रेट इन द वर्ल्ड तो ऑप्शन डी हो गया साउथ कोरिया विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया हैज बिकम द फंक्शनल ओके लिटरेट फंक्शनल फंक्शनैलिटी लिटरेट की बात करें तो ऑप्शन भी हो गया दोस्तों मांडला मध्य प्रदेश रिसेंटली सैयद सिपति राजी ऑज द फार्मर गवर्नर ऑफ विच टू स्टेट्स हेज पास अवे एट द एज ऑफ 83 की बात करें uh, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी झारखंड असम एंड हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फुटबॉल प्लेयर टू प्ले यूएफा चैंपियंस लीग जी हाँ यूएफा चैंपियंस लीग देन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी मनीषा कल्याण विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इंप्लीमेंट लॉ फॉर फ्री पीरियड प्रोडक्ट्स ऑप्शन बी स्कॉटलैंड ऑन विच डेट वर्ल्ड फोटोग्राफी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर दोस्तों कब मनाया जाता है हर साल फोटोग्राफी डे ये आपको उन्नीस अगस्त को मनाया जाता है वेन इज़ वर्ल्ड ह्यूमैनिट्रियन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ये आपको उन्नीस अगस्त को सेम बनाया जाता है एंड विच कंट्री प्लेयर केविन ओ ब्रॉय हैज़ रिटायर फ्राम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो ऑप्शन सी आयरलैंड हो गया दोस्तों ऑन विच डेट वर्ल्ड ऑर्बन डोनेशन डे इज सेलिब्रेटेड इन एवरी ईयर तो ऑप्शन सी हो गया तेरह अगस्त एंड हुज़ बीन अड जज बाई ए आई डब्ल एफ फॉर द मिन्स फुटबॉलर ऑफ दू था ट्वेंटी दैन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी सुनील छेत्री विच कंट्री हज़ रीसेंटली स्टार्टेड द फर्स्ट सर्विस ऑफ हाइड्रोजन पावर ट्रेन तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी जर्मनी एंड इसरो सक्सेसफुली पुट थ्री सैटेलाइट्स ऑफ विच कंट्री इंटू स्पेस ऑर्बिट विथ पी एस एल वी सी फिफ्टी थ्री की बात करें देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन भी हो गया सिंगापुर एंड हुज़ बिन अपॉइंटेड एज फोर्टी नाइन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये अभी जो है जस्टिस यू ललित ने अभी बदल चुके हैं फिफ्टी चीफ जस्टिस आ चुके हैं अभी इनका नाम है डी वाई चंद्राचूड दोस्तों ओके ल क्रिकेटर हैज रिसेंटली रिसीव द आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है प्रबथ जयसूर्या विच ब्यूटी हैज रिसेंटली वोन द टाइटल थाउजेंड ट्वेंटी टू तो इसका जो सही जवाब है दैट ऑप्शन सी हो गया आर्या भालवेकर विच एनिवर्स ऑफ क्विट इंडिया मोमेंट और सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया ऑन एट अगस्त टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी हो गया एटियथ एंड विथ चेस्ट प्लेयर आज रिसेंटली बिकम द सेवेंटी फिफ्थ ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया की बात करें तो देन द करेक्ट आंसर विल भी ऑप्शन डी हो गया वी प्रणव हुज़ बिकम द फर्स्ट टूमैन डायरेक्टर जनरल ऑफ सी एस आई आर तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नाला तम्बी कला सेल्वी एंड वेन इज अ नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अक्रॉस इंडिया तो इसका जो सही जवाब है दट इज़ ऑप्शन बी हो गया दोस्तों सेवंथ अगस्ट द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू डेवलप संस्कृत ग्राम इन विच इन ईच ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्ट तो ऑप्शन है उत्तराखंड एंड रिसेंटली द मिनिस्टर ऑफ एनर्जी एज अनाउंस टू बिल्ड ओल्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लान्टन विच स्टेट की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों मध्य प्रदेश एंड हुज बिन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस फॉर द नेक्स्ट थर्टीन ईयर्स की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया श्वेता सिंह एंड इट हैज़ बिन नाउंस टू क्रिएट सेवन न्यू डिस्ट्रिक्ट इन द वेस्ट बंगाल नाउ वॉट विल भी द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट दैन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी हो गया तीस थर्टी विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट सेमी कंडक्टर पॉलिसी सेमी कंडक्टर पॉलिसी गुजरात ने निकाला है रिसेंटली वसीफा नजरीन एज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफ एक मिनट विच कंट्री टू कॉनकर के टू दोस्तों कौन के टू तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश हु हैज बिकम द हाइएस्ट पेड एफ एम सी जी सी ओ तो uh, सौगत गुप्ता इनका नाम है

तो इसका जो सही जवाब है दैट इज़ ऑप्शन बी हो गया दोस्तों जापान हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक रिसेंटली की बात करें तो ऑप्शन बी हुआ इंदर मित गिल हैज़ बीन गिवन द मोस्ट फेवरेबल स्टेट अवार्ड फॉर द फिल्म इन सिक्सटी एट नेशनल फिल्म अवार्ड्स रिसेंटली देन द द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी हो गया मध्य प्रदेश हु हैज़ रिसेंटली वन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टोरडे फ्रांस टाइटल की बात करें uh, तो ऑप्शन सी हो गया जोनास विग्याट ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ा एयर स्पेस हैज स्टार्टअप विथ हिल्स ए ग्लोबल टू सेटअप इट्स फर्स्ट एयरोस्पेस प्लान्टन विच कंट्री ये मलेशिया की है विच स्टेट हैज़ रिसेंटली एस्टेब्लिश डिस्ट्रिक क्लाइमेट चेंज मिशन की बात करें तो ये तमिलनाडु की है दोस्तों कारगिल विजय दिवस सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट की बात करें तो ऑप्शन है छब्बीस जुलाई एंड रिसेंटली वो हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया टू गेट हर घर जल स्कीम सर्टिफाइड दोस्तों तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन भी हो गया बुरहानपुर मध्य प्रदेश हु हैज़ अपॉइंटेड एज न्यू सी ऑफ टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन इंडिया की बात करें तो ऑप्शन सी रविंद्र ठाकर हु हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका रिप्लेसिंग रनिले तो अभी किसको बनाया गया है नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका तो ऑप्शन सी दिनेश हु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू कनेक्ट कमर्शियल व्हीकल्स विद एमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो ऑप्शन बी हो गया जो हिमाचल प्रदेश एंड वेन इज द नेशनल फ्लैग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो ऑप्शन सी ट्वेंटी सेकेंड जुलाई हैज़ रिसिव द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड अंडर सिक्सटी एट नेशनल फिल्म अवार्ड्स टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अपर्णा बाला मुरली हैज़ बिकम द फिफ्टींथ एंड फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया की बात करें तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी होगा जैसे द्रौपदी मुर्मू वट इज द रैंक ऑफ इंडियन पासपोर्ट द रिसेंटली रिलीज हेनली पासपोर्ट इंडेक्स फॉर द ईयर टू थाउजेंडी टू तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन सी एटी सेवन इन्वेस्ट इंडिया का पहला डिजिटल लोक अदालत बिन लॉन्च रिसेंटली तो ये राजस्थान में है एंड रिसेंटली सी गार्डियंस टू मेरी टाइम एक्साइज वॉज ऑर्गेनाइज बाई चाइना एंड विच कंट्री तो ऑप्शन है पाकिस्तान हो गया दोस्तों विच आई टी कंपनी बिल अक्वाइर डेनमार्क बेस्ड बेस्ड लाइफ साइंस फॉर वन टेन मिलियन यूरोज़ की बात करें तो ऑप्शन बी इन्फोसिस एंड हु हैज बिकम द न्यू एम डी एंड सी ई ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो ऑप्शन है आशीष कुमार चौहान दोस्तों चलिए नेक्स्ट विथ सिक्योरिटी फोर्स हैज रिसेंटली रिकवर्ड नार्कोटिक प्रोडक्ट्स वोट सेवन पॉइंट फोर जीरो करोड़ अंडर ऑपरेशन नार्कोस की बात करें तो किसने ये निकाला है बाहर तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स वालों ने विथ स्टेट टॉप द रैंकिंग ऑफ स्टेट्स टू इम्प्लीमेंट द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट थ्रू रेशन शॉप्स की बात करें तो ऑप्शन डी ओडिशा हो गया दोस्तों थर्टी नैटोलाइज साइंडशन ऑफ प्रोटोकॉल फॉर स्वीडन विथ विच स्वीडन और कौन सी कंट्री के साथ तो ये फिनलैंड के साथ एंड जूनियर फेडीन एंड मार्कोस वॉस वन एज सेवनटीन प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्रीज दैट इज ऑप्शन डी हो गया दोस्तों फिलिपींस विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैज़ वोन द वोम सिंगल टाइटल एट सिंगापुर ओपन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी पी वी सिंधु वेन इज द वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ जस्टिस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो ऑप्शन भी हो गया दोस्तों सेवनटीन्थ जुलाई

Then the correct answer will be option A, IIT Madras. And what is the rank of India in the recently released Global Gender Gap Report for the year 2022? Option B, 135th. Dosto. Okay. So, which has become the first state to implement the center's new education policy in the uh, primary uh, education? Ki kere, to option C, Uttarakhand. And according to the World Health Organization, in which country two suspected cases of Mabug virus disease were uh, reported? Option A, Ghana. Ho gaya. विच कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड ए हाईली सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट नेम लक्स जेप्लिन टू डिटेक्ट डार्क मैटर इन द यूनिवर्स की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन भी अमेरिका हो गया एंड इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी इनागरेटेड द सिक्स नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन माइन्स एंड मिनरल्स की बात करें तो ऑप्शन सी डेली हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अप्रूव्ड मीना हेमा चंद्रा एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक करूर वैसा बैंक हो गया

ट जनरल एज न्यू मिलिट्री कमांडर ऑफ यू एन मिशन इन साउथ सूडान की बात करें तो करेक्ट आंसर है मोहन सुब्रमण्यम हुई सी हो गया सीनी शेट्टी बिकम द फोर्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री देन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी हो गया इजराइल ओके विच फिजी बिजनेस मैन हैज़ रिसेंटली बिन सेंटेंसड टू फोर मंथ्स इन जेल बाई सुप्रीम कोर्ट इन टू थाउजेंड सेवेंटीन कंटेप्ट केस रिलेटेड टू हाइडिंग इन्फॉर्मेशन फ्राम द कोर्ट ऑप्शन भी हो गया दोस्तों विजय माल्या नेपाल हैज रिसेंटली स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग सीमेंट विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन भी इंडिया हो गया दोस्तों विच पर्सन ऑफ द इंडियन ऑरिजिन हैज बिन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बात करें तो ऑप्शन ये हो गया दोस्तों टी राजा कुमार

तो ऑप्शन ए हो गया ट्वेंटी नाइन जून एंड हु हैज बिन गिवन दन एडिशनल चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स दैट इज ऑप्शन इज स्मृति ईरानी जी सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य स्किंडिया वॉज गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ विच मिनिस्ट्री तो ऑप्शन भी हो गया दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड हु हैज बिन इलेक्टेड एज वाइस प्रेजिडेंट ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया संजीव पुरी हु हैज बिन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो नितिन गुप्ता जी And who has become the first Indian captain to take a wicket in T20 International uh, cricket ki kere to option si to Hardik Pandya? Which cricket team has recently won the title of Ranji Trophy for the first time? To option B to Madhya Pradesh and how many crore rupees has been imposed by Reserve Bank of India on Ola Financial Services? 1.7 crores. The government of which country has decided to honor former Prime Minister Shinzo Abe with the Supreme Order of Chrysanthemum. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है जापान जो कि पोस्ट मोस्टली दिया गया एंड पपराजा नायडू हिमालयन जू नेशनल पार्क एज लॉन्च एन एम्बिशियस प्रोग्राम टू रिलीज हाउ मेनी रेड पैंडासन टू वर्ल्ड अबाउट फाइव ईयर्स ऑप्शन है बीस अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल ओवरटेक चाइना टू बिकम ओल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन टू ऑप्शन है इंडिया हो गया हु हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड इन द वॉल ऑफ फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गीता गोपीनाथ विद स्टेट गवर्नमेंट एज रिसेंटली लॉन्च मिशन कौशल कर्मी योजना की बात करें तो ऑप्शन सी दिल्ली हो गया वर्ल्ड मलाला डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे दैट इज ऑप्शन डी 12 जुलाई को मनाया जाता है सो इन विच कंट्री वाज़ द वर्ल्ड पीस फॉरम 2022 ऑर्गेनाइज्ड तो ये ऑप्शन भी हो दोस्तों चाइना इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा एज बिकम द फर्स्ट एशियन प्लेयर टू हिट हाउ मेनी फोर्स इन मेन्स टी क्रिकेट की बात करें तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों दैट इज ऑप्शन ये हो गया थ्री हंड्रेड विच इंडिया हैज प्रोवाइडेड मोर देन फोर्टी फोर थाउजेंड टन ऑफ यूरिया अंडर द लोन फैसिलिटी टू विच कंट्री विच इज फेसिंग सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें तो ऑप्शन डी श्रीलंका दोस्तों विच फॉर्मर सी ई ऑफ टिंक टैंक नीति आयोग हैज़ वॉज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इंडियाज न्यू शर्पा हैज बीन सेलेक्टेड फॉर जी ट्वेंटी दट इज अमिताभ कांत विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू हैव थर्टीन एक्सप्रेस वे दोस्तों उत्तर प्रदेश Which former Prime Minister of Japan has died after being shot while delivering a speech in the city of Nara? Option B, Shinzo Abe. The Union Health Ministry has reduced the gap of booster dose from nine months to how many months for the above 18 years of age kibat? Option D so 6 months. From which ministerial post has Mukhtar Ab Abbas Naqvi resigned, that is, Union Ministry of Minority Affairs. Which country has signed agreement for supply of technology for Kundakulam nuclear power plant? इन तमिलनाडु ओके तो कौन सी कंट्री ने इनके साथ साइन किया था रशिया ने इन विच कंट्री द गवर्नमेंट हेज़ डिक्लेयर एज स्टेट ऑफ एमरजेंसी फाइव नॉर्दर्न रीजन अराउंड द पू रिवर इन द व्यू ऑफ सीवियर ड्रॉट इन द कंट्री तो ऑप्शन भी हो गया दोस्तों इटाली इनविस्ट स्टेट साइंटिफिक काय चटनी हैज़ बिन सबमिटेड फॉर एक मिनट सॉरी थोड़ा कॉल आ गया था तो हम लोग देख रहे थे इन्विस्ट स्टेट साइंटिफिक काय चटनी हैज़ बिन सबमिटेड फॉर जोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री की बात करें तो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन है उड़ीसा रिसेंटली द पीपल ऑफ विच स्टेट हैव हैलिब्रेटेड सो जाओ फेस्टिवल तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन सी गोवा द फर्स्ट इंडो नेपाल भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन हैज़ बिन फ्लैगड ऑफ फ्रॉम विच रेलवे स्टेशन तो एक मिनट चेक कर लेता हूँ तो करेक्ट आंसर विल भी ऑप्शन बी सफदरगंज रेलवे स्टेशन वे स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द फर्स्ट केम्पे अवार्ड टू एस एम कृष्णा एस आर नारायण मूर्ति एंड प्रकाश पाड़कून की बात करें दैन द करेक्ट आंसर विल भी ऑप्शन डी हो गया दोस्तों कर्नाटका विथ स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च द मेडिकल इंश्योरेंस मेडिसेप स्कीम फॉर स्टेट एम्प्लॉयज और पेंशनर्स की बात करें तो ऑप्शन भी हो गया केरला हुज बिन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमिटी टू असिस्ट द कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंटेड बाई सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी रंजीत बजाज दोस्तों विद स्टेट हैज बिन रैंक फर्स्ट इन नेशनटली रिलीज ग्लोबल स्टार्टअप इको सिस्टम रिपोर्ट इन अफोर्डेबल टैलेंट की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए केरला अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंगज इंडिया रैंकड द ग्लोबल गोल्ड रिसाइकलिंग तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फोर्थ दोस्तों विद स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च नारी को नमन स्कीम फॉर द वुमेन ऑफ द स्टेट देन द करेक्ट आंसर विल बी दैट इज़ ऑप्शन ये हो गया हिमाचल प्रदेश एंड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट हैज़ बिन फुल्ली कमीशन बाय एन टी पी सी इन विच स्टेट की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों तेलंगाना ओके इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे तो ऑप्शन है फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई विच मेडल हैज़ बिन ओन बाय द नीरज चोपड़ा वेल परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली इन द डायमंड लीग रिसेंटली तो सिल्वर मेडल इनको मिला है दोस्तों इन विच सिटी द मिनिस्ट्री ऑफ डायरिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री हैज़ लॉन्च द वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट ऑन ट्वेंटी एट जून टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू की बात करें तो ऑप्शन ये हो गया बेंगलुरु And what has been renamed as Aurangabad district of Maharashtra? So, correct answer is ka, that is option B, Shambhaji Nagar. So, according to QS, best student cities 2023, which is the highest ranked city in India in terms of living for students from all over the uh, world? So, correct answer is ka, option D, Mumbai. And which medal has been won by the Deepak Punya in the under 23 Asia Wrestling Championship in Bishkek, Kyrgyzstan? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी ब्रॉन्ज मेडल विच कंट्री हैज़ अनाउंस टू ट्रांसफर इसकंदर यम मिजाइल सिस्टम टू बेलारूस तो ऑप्शन ये हो गया दोस्तों रशिया फ्रॉम विच डेट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बैंड द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक की बात करें तो ऑप्शन भी जुलाई फर्स्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू रिसेंटली हुज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की बात करें तो ऑप्शन ये हो गया दोस्तों लिसा स्थलकर विच कंट्री हैज़ लॉन्च सॉलिड फ्यूल रॉकेट जुलझाना जाना इन टू स्पेस दट इज ऑप्शन डी हो गया दोस्तों ईरान एंड विथ स्टेट एज लॉन्च व्हीकल मॉनिटरिंग सिस्टम सुरक्षा मित्रा प्रोजेक्ट की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों केरला वॉट इज़ रैंक ऑफ इंडिया रिसेंट रिलीज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन है वन फिफ्टी एथ रैंक है एंड वट इज़ द पोजन ऑफ इंडियंस मेन्स फुटबॉल टीम इन द रीसेंट रिलीज फीफा वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो ऑप्शन भी हो गया दोस्तों वन नॉट फोर उसका अपॉइंटेड एज न्यू हेड ऑफ द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तो ऑप्शन डी दिनकर गुप्ता एंड विद स्टेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड 3700 मेगावाट अदानी ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट की बात करें तो ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद अ गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड की बात करें तो ऑप्शन ए हो गया ट्वेंटी वन बाद इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम एंड इंटरनेशनल टेनिस एसोसिएशन विजय अमृतराज को दिया गया है रिसेंटली वो हैज बिकम द ट्वेंटी सेवन चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की बात करें तो ऑप्शन ए अमजद एहताम सैयद मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना इज़ रिलेटेड टू विच स्टेट दोस्तों दैट इज़ ऑप्शन ए राजस्थान एंड हुज़ बिन अवार्डेड द फर्स्ट प्राइज़ इन द नेशनल एम एस एम अवार्ड्स टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी उड़ीसा हो गया दोस्तों पासपोर्ट सेवा दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑप्शन बी ट्वेंटी फोर्थ जून एंड इंटरनेशनल ओलंपिक डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन विच डे ऑप्शन सी ट्वेंटी थर्ड जून

रिसेंटली विच कंट्री हेज सक्सेसफुली लॉन्च नूरी रॉकेट की बात करें तो ऑप्शन सी होगा दोस्तों साउथ कोरिया इन विच कंट्री द फॉर्टी एथ जी सेवन समिट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू वॉज ऑर्गेनाइज द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी जर्मनी विच कंट्री हेज स्टॉप द एशियन साइक् चैंपियनशिप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू विथ ट्वेंटी सेवन मेडल्स की बात करें तो ऑप्शन ए जापान हो गया दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज अनाउंस टू रिजर्व वॉट परसेंट ऑफ जॉब फॉर अग्निवर्स आफ्टर फोर ईयर्स ऑफ सर्विस की बात करें तो ऑप्शन बी टेन परसेंट हो गया विच ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैज़ बिकम द सेकेंड क्रिकेटर इन इंडिया हिस्ट्री टू बी स्टम्प फॉर नाइनटी नाइन रन की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों डेविड वार्नर विच हैज़ बिकम द लास्ट स्टेट इन द कंट्री टू जॉइन वन नेशन वन रेशन कार्ड स्कीम की बात करें तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए असम विच स्टेट हैज़ वोन द टाइटल ऑफ फर्स्ट अंडर नाइनटीन टी ट्वेंटी नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज बाई डेफ क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करें तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश हु हैज बिन नॉमिनेटेड बाय भारतीय जनता पार्टी फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस दैट इज ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैज़ डेवलप ए रोबोट टू क्लीन सेप्टिक टैंक्स दोस्तों तो ऑप्शन डी हो गया आई आई टी विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च एन एम एजुथम योजना तो ऑप्शन बी तमिलनाडु एंड विच कंट्री हैज लॉन्च द लार्जेस्ट एंड मोस्ट मॉडर्न एयरक्राफ्ट कैरियर फ्यूजियान की बात करें तो ऑप्शन डी चाइना दोस्तों वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे दैट इज ऑप्शन है नाइनटीन जून इन विच कंट्री विद द फीफा अंडर सेवनटीन वुमेन्स वर्ल्ड कप बी ऑर्गेनाइज ऑप्शन सी इंडिया वॉट इज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे दो हजार बाईस की बात करें तो ऑप्शन है योगा फॉर ह्यूमैनिटी ऑन विच डे वर्ल्ड रेफ्यूजी डे इज सेलिब्रेटेड तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन है बीस जून को दोस्तों हु हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट इंडियन प्लेयर टू स्कोर टी ट्वेंटी फिफ्टी की बात करें तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी हो गया दिनेश कार्तिक हाउ मेनी ईयर्स हैज़ अ सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज द अपर लिमिट ऑफ अग्निपथ स्कीम फ्रॉम ट्वेंटी वन ईयर्स फॉर द फर्स्ट ईयर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन भी हो गया ट्वेंटी थ्री ईयर्स एंड विच कंट्री फॉर्मर कैप्टन थर्टी सेवन ईयर ओल्ड विलियम पोटरफील्ड एज रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों आयरलैंड विच इंडियन अमेरिकन Has been nominated by US President Joe Biden to top Pentagon uh, post kibhat option, hai, Radha Ingar Plum, and who has been appointed as president of Press Council of uh, uh, India Kibatkareth option B Ranjana Prakash Desai. Arti Prabhakar has been appointed as science advisor to president of uh, uh, which country? That is option C America, and who has been conferred with honorary doctor of literature by H S, -S N C University Maharashtra. रिसेंटली uh, की बात करें तो इसका जो सही जवाब है दैट इज़ ऑप्शन बी हो गया रतन टाटा रिसेंटली वो हैजिन अपॉइंटेड एज अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ़ यूनाइटेड नेशन तो ऑप्शन सी हो गया जैसा रबाब फातिमा विच कंट्री हैज़ अग्रीड टू अबोलिश कम्पल्सरी डेथ पैनल पेनाल्टी दोस्तों अबॉलिश करने वाले हैं दैट इज़ ऑप्शन बी मलेशिया यूनिवर्सिटी इंडिया का पहला डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट सेटअप किया गया था तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों हैदराबाद इंटरनेशनल फैमिली डिस्पैच डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी तो जून दोस्तों फ्रेंच पावर कंपनी टोटल एनर्जीज विल एक्वायर व्हाट पर्सन टेक इन अदानी ग्रुप ग्रीन हाइड्रोजन वेंचर की बात करेंगे तो इसका जो सही जवाब है दट इज ऑप्शन बी हो गया दोस्तों ट्वेंटी फाइव परसेंट ओके नेक्स्ट द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्रीज डिसाइडेड टू रिमूव स्ट्रिक्ट वीजा रेस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन इंडियंस ड्यू टू कोविड एपिडेमिक की बात करें तो ऑप्शन ए चाइना हो गया वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे देन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी फिफ्टींथ जून दोस्तों ओके रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च सुरक्षा मित्रा प्रोजेक्ट तो सही जवाब है इसका दैट इज़ ऑप्शन सी हो गया केरला विच मेडल डिड गुरु नायडू सेनापति विन फॉर इंडिया 2022 थाउजेंड ट्वेंटी यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप इन मेक्सिको की बात करें तो ऑप्शन सी गोल्ड मेडल हो गया दोस्तों हु हैज़ वोन द गोल्ड मेडल इन अंडर फिफ्टीन एशिया जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप की बात करें तो ऑप्शन सी अनहता सिंह एंड हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग की बात करें तो ऑप्शन सी परमेश्वरम अय्यर हो गया दोस्तों हुज़ बिन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी तपन देका एंड रिसेंटली विच कंट्री फीमेल क्रिकेटर रोमेली धार हैज़ रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी इंडिया हो गया दोस्तों एंड हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन प्रेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की बात करें तो ऑप्शन डी लीसा स्टार लेकर ऑन विज डेट इंटरनेशनल वीडियो डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो ऑप्शन सी होगा दोस्तों ट्वेंटी थर्ड जून हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन बैच ऑफ इंडिया टू क्लियर एन डी एग्जाम तो इनका नाम है शानन ढाका दोस्तों एंड हुज़ बिन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन तो देन द करेक्ट आंसर विल बी दैट इज़ ऑप्शन बी हो गया रुचिरा कम्बोज विच इंटरनेशनल योगा डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन ट्वेंटी फर्स्ट जून तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी एइट हो गया है एंड रिसेंटली गुस्तावो पेत्रो हैज़ बिकम द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी हो गया कोलंबिया रिसेंटली द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लान वन फिफ्टी किलोमीटर हैज बिन डिस्कवर्ड ऑफ द कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया विच इज़ नेम्ड एज दैट इज ऑप्शन बी हो गया जोयडोनिया ऑस्ट्रेलिस दोस्तों ऑन विच डेट ओल्ड रेफ्यूजी डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन भी हो गया दोस्तों ट्वेंटी एट जून रिसेंटली विच इंडियन पर्सन एज बिकम द न्यू सी ऑफ अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी वेरीजॉन की बात करें तो ऑप्शन भी होगा दोस्तों सौम्य नारायण संपत एंड वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू रिलीज बाई आई एम डी तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन भी थर्टी सेवंथ रैंक दोस्तों

द ग्रेट इंडियन मैन हरीचंदट द एज ऑफ सिक्सटी नाइन तो ये कौन थे दोस्तों ये एक रनर थे विच मेल क्रिकेटर हैज बिन अवॉर्डेड द आई सी सी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मे टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू की बात करें देन द करेक्ट आंसर विल भी ऑप्शन सी एंजिलो मैथ्यूस विच स्टेट हैज बिकम द विनर ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें देन द करेक्ट आंसर विल भी ऑप्शन है हरियाणा दोस्तों विच चेस प्लेयर हैज रिसेंटली बिकम द सेवेंटी फोर्थ ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया की बात करें तो ऑप्शन बी राहुल श्रीवास्तव ऑन विस डेट ओल्ड ब्लड डोनर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो ऑप्शन बी हो गया दोस्तों फोर्टीन जून ओके हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज न्यू एम एंड सी ऑफ आर बैंक की बात करें तो ऑप्शन सी आर सुब्रमण्यम कुमार ओके इंडियाज फर्स्ट कोविड नाइन्टीन वैक्सीन फॉर एनिमल्स हैज़ बिन लॉन्च इसका नाम क्या रखा गया है एनोकोवैक्स रखा गया है दोस्तों फर्स्ट एशियन कंट्री टू लिफ्ट द बैन ऑन भांग दोस्तों भांग दिया गया है वो ऑप्शन डी थाज वर्ल्ड चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे से दोस्तों बारह जून so which has become the first state in india to formulate a ड्रोन पॉलिसी की बात करें तो ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश फेमस फीमेल प्लेयर मिथाली रिटायरमेंट फ्रॉम विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट दैट इज़ ऑप्शन ए क्रिकेट हो गया एंड हुज बिन अपॉइंटेड एज न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एस रिप्लेसिंग अश्विनी भाटिया की बात करें तो ऑप्शन ए हो गया दोस्तों अलग कुमार चौधरी वेन इज द वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो ऑप्शन बी एट जून हो गया दोस्तों एंड वट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया अमॉग वन एटी कंट्रीज ऑफ द ग्लोबल एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स दो हज़ार की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों वन एटी हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल एल्यूमिनियम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें तो कौन चेयरमैन uh, इसके बने हैं तो ऑप्शन बी सतीश भाई रिसेंटली बजराम बेगाज हैज़ बिकम द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी अल्बानिया ऑन विच डेट वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर दोस्तों ऑप्शन डी सेवंथ जून एंड हु हैज़ रिसिव द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट द आईफा अवार्ड्स 2022 की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया विक्की कौशल जी को मिला है एंड विच टेनिस प्लेयर हैज़ वोन द मेन सिंगल टाइटल एट फ्रेंच ओपन 2022 की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी हो गया राफेल नडाल एंड रिसेंटली हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तो ये मनी मेघालय इनका नाम है दोस्तों विच डेट द ओल्ड एन्वेरानमेंट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए फिफ्थ ऑफ जून द डेली गवर्नमेंट डिसाइडेड टू यूज़ विच वर्ड इन प्लेस ऑफ वर्ड हरिजन की बात करें तो ऑप्शन भी होगा दस सो डॉक्टर अम्बेडकर इन विच डेट ऑफ इंडिया एज अ वर्ल्ड फर्स्ट लिक्विड मिररर टेलीस्कोप हैज इंस्टॉल्ड रिसेंटली करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी उत्तराखंड ओके सो विच इंडियन अमेरिकन स्टूडेंट हैज़ रिसेंटली वन द प्रसिजियस स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू की बात करें तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी हो गया हरिनी लोगन एंड हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा की बात करें तो ऑप्शन डी जेवियर ओलिवियन ऑन विच डेट वर्ल्ड बाइसिकल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो ऑप्शन सी थर्ड जून दोस्तों रिसेंटली द फेमस पर्सन पंडित भजन सपूरी हैज़ पासड अवे दैट इज़ ऑप्शन एट द एज ऑफ सेवेंटी फोर ही वॉज ए संतूर प्लेयर एंड हुज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटर तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन डी हो गया राजेश घेरा विच स्टेट हैज सेलिब्रेट नाइन्थ फाउंडेशन डे ऑन सेकेंड जून देन ऑप्शन ए तेलंगाना हुज बीन अपॉइंटेड एज न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ शास्त्र सीमा बल ऑप्शन सी यस एल थॉयसन ऑन विच डेट वर्ल्ड मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों फर्स्ट जून रिसेंटली फेमस पर्सनैलिटी कृष्णा कुमार कुन्नाथ हैज़ पासड अवेट द एज ऑफ फिफ्टी थ्री तो ये कौन थे ये एक सिंगर थे दोस्तों विच स्टेट थर्टी फिफ्थ फाउंडेशन डे हैज बिन सेलिब्रेटेड ऑन थर्टी मे दो हज़ार बाईस की बात करें तो ऑप्शन भी गोवा no तो हो गया वेन इज वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो ऑप्शन भी होगा दोस्तों थर्टी फर्स्ट में ऑन विच डेट हिंदी जर्नलिज्म डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो ऑप्शन भी थर्टी में एंड विच फिल्म फेमस सिंगर एंड एक्टर सिद्धू मिसावाला Has passed away at the age of uh, 29. That is option A Punjabi. In which city India Kapahila nano liquid uh, urea plant has been inaugurated uh, recently. Ki kare to option Cog si Gandhi Nagar Gujarat. And when is the old menstrual hygiene day celebrated every year? Then the correct answer will be option B Hogaso 28 May. Which Bollywood actor has received the Excellence in Cinema Award at the French Riviera फिल्म uh, फेस्टिवल की बात करें तो ऑप्शन बी नवाजुद्दीन सिद्दीकी दोस्तों नेक्स्ट हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन ऑथर टू विन द बुकर प्राइज तो इसका जो सही जवाब है दैट इज मैं चेक कर लेता हूँ ऑप्शन डी हो गया दोस्तों गीतांजलि श्री विच क्रिकेट टीम हैज़ रिसेंटली ओन द टाइटल ऑफ रणजी ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी मध्य प्रदेश हु ओन द फिफ्टी एडिशन ऑफ आई पी एल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इ फाइनल मैच प्लेड एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन अहमदाबाद ऑन मे 29 नाइन की बात करें तो ऑप्शन है गुजरात टाइटन्स विच स्टेट हैज रिसेंटली डिसाइडेड दैट इन ऑल द स्टेट यूनिवर्सिटी इंस्टेड ऑफ गवर्नर द चीफ मिनिस्टर विल बी द चांसलर दैट इज वेस्ट बंगाल वेयर हैज़ इंडिया फर्स्ट ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्टेड रिसेंटली तो ऑप्शन है उड़ीसा एंड विच हैज़ बिकम द फर्स्ट मेट्रो सिटी टू गेट्स ओन बायोडावर्सिटी की बात करें तो ऑप्शन सी कोलकाता वॉट इज द थीम ऑफ दिस स्वच्छ सर्वेक्षण दो हज़ार तेईस uh, की बात करें तो वेस्ट टू वेल्थ हो गया एंड विच इंस्टीट्यूट हैज़ रिसेंटली एस्टैब्लिश सुपर कंप्यूटर नेम परम परुल ऑप्शन डी हो गया दोस्तों एन आई टी तिरुचपल्ली विच फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर अनाउंस डेट ही हैज़ रिजाइन फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ऑन ट्वेंटी फिफ्थ मे दो हज़ार uh, बाईस की बात करें तो ऑप्शन ए हो गया कपिल सिब्बल विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट गल्फ कंट्री टू रजिस्टर अ केस ऑफ मंकी पॉक्स दैट इज ऑप्शन डी हो गया दोस्तों यू ए ई

प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली इनागरेटेड इंडिया का पहला फाइव जी टेस्ट बेड फॉर हाउ मनी करोड्स इट हैज बीन सेटअप दैट इज़ ऑप्शन है हो गया दोस्तों दो सौ बीस करोड़ इंडिया सेलिब्रेट नेशनल एंटी टेररिज्म डे एवरी ईयर ऑन ट्वेंटी फर्स्ट में दिस डे इज ऑब्जराज डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो ऑप्शन है राजीव गांधी इंटरनेशनल टी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट दैट इज ऑप्शन सी हो गया दोस्तों इक्कीस में एंड विच इंडियन ऑरिजिन बिजनेसमैन हैज़ बिन इलेक्टेड मेयर ऑफ लंडन बुरॉक ऑफ साउथ वॉर्क फॉर द सेकंड टाइम तो ऑप्शन डे हो गया दोस्तों सुनील छोपड़ा विच कंट्री हैज बिन इलेक्टेड बाई दूनाइटेड ने जनरल इन द सीक्रेट बैलेट टू रिप्लेस जिक रिपब्लिक इन दुनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बात करें तो ऑप्शन डी रशिया दोस्तों ग्लोबल एक्सेसबिलिटी अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे दैट इज ऑप्शन ए थर्ड थर्स मे द हाई कोर्ट हैज कैंसल द फेमस एग्जिस्टिंग घर घर रेशन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम कौन सी स्टेट की थी डेली की थी दोस्तों चलिए विच इंस्टीट्यूशन एज सेटअप थर्टी बिलियन डॉलर इन ए टू एड्रेस द फूड सिक्योरिटी टू ऑप्शन बी हो गया वर्ल्ड बैंक विच कांग्रेस लीडर एज बिन सेंटेंस टू वन ईयर इम्प्रिजनमेंट बाप्रीम कोर्ट इन थ्री डिकेट ओल्ड रोड रेज केस की बात करें तो इसका जो सही जवाब है दट इज ऑप्शन हो गया नवजोत सिंह सिद्धू विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड द डेफ ओलम्पिक्स दोस्तों टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो ऑप्शन सी हो गया ब्रेजील एंड विच स्टेट और इंडियन टेरेटरी गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू लॉन्च अर्बन एग्रीकल्चर पॉलिसी तो ऑप्शन डी हो गया डेली द पंजाब गवर्मेंट हैज़ अनाउंस टू इंक्रीज द कंपनसेशन अमाउंट टू फैमिलज मार्ट्रेट सोल्जर्स फ्राम रुपीजी फिफ्टी लैक्स टू हाउ मनी करोड दट इज ऑप्शन डी वन करोड्स बिन अपॉइंटेड एज हेड कोच ऑफ इंग्लैंड वाइट बॉल क्रिकेट टीम दोस्तों हेड कोच इंग्लैंड का बता रहे हैं तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी मैथ्यू मॉट विच कंट्री वॉज ऑफर्ड द यूज ऑफ चिटाकॉन्ग पोर्ट इन बांग्लादेश ब द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश दैट इज़ ऑप्शन डी हो गया दोस्तों इंडिया एंड विच इज़ अ थीम ऑफ इंटरनेशनल म्यूजियम डे टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है द पावर ऑफ म्यूजियम दोस्तों ओल्ड एड्स वैक्सीन डे इज़ ऑब्जर्व ऑन विच डे दैट इज़ ऑप्शन डी हो गया एटीन में विच मुंबई इंडियंस फास्ट बॉलर हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन पेसर टू टेक टू फिफ्टी विकेट्स इन टी ट्वेंटी क्रिकेट की बात करें तो ऑप्शन ए हो गया जसप्रीत बुमराह अन्ना कबाले दुबा ऑफ विच कंट्री वॉज ऑनर्ड विद एस्टर गार्डियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इन दुबई तो ऑप्शन ए हो गया दोस्तों केनिया ठीक चलिए नेक्स्ट विच कंट्री प्रेजिडेंट इमैनुअल मैक्रेन एज अपॉइंटेड लेबर पार्टी लीडर एलिजेथ बॉन एज अ कंट्रीज न्यू प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो ऑप्शन भी हो गया दोस्तों फ्रांस एंड रिसेंटली फिनलैंड एंड विच कंट्री हैव शोन इंटरेस्ट टू जॉइन नाटो दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑप्शन डी स्वीडन हो गया ठीक है रिसेंटली हुआ हैज़ बीन सोन इन एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों मनीका साह ऑन विच डे इज द वर्ल्ड अगरी टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड दैट इज़ ऑप्शन डी सिक्सटींथ मई दोस्तों ठीक है विच कंट्री हैज़ बिन इलेक्टेड एज न्यू प्रेजिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ की बात करें तो ऑप्शन बी हो गया इंडिया And Catholic Novak has been elected as first female president of uh, which country? That is option B, Hungary. Okay. Who has been appointed as head coach of England's men test team option D, Braden McCullum, And recently, who has become the first woman officer to join the Army Aviation Corps as a combat aviator Kibat to option D, Abhilasha Barak. Which birth anniversary of Ram Mohan Rai was celebrated all over India on 22nd May 2022.

रिसेंटली हुज़ बिन अपॉइंटेड एज न्यू प्राइवेट सेक्रटरी ऑफ पी एम मोडी की बात करें तो ऑप्शन बी विवेक कुमार एंड रीसेंटली एंटोनी अलबनस हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री दैट इज ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया दोस्तों ऑन विच डेट वोल्ड बी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो ऑप्शन भी हो गया बीस मई को एंड रिसेंटली हुज़ बिकम द न्यू सी ऑफ इंडियन एयरलाइन कंपनी इंडिगो की बात करें इंडिगो की पीटर अल्बर्ट्स को बनाया गया है हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडिया मेजर स्टॉक एक्सचेंज बी एस सी की बात करें uh, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है येस एस मुंड्रा ऑन विच डेट वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सेवनटीन्थ में दोस्तों ओके रिसेंटली सन शेख महमूद हैज़ बिन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी सोमालिया रिसेंटली हुआ एज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस की बात करें तो ऑप्शन सी एलिजेथ बॉर्न एंड रिसेंटली इंडिया फर्स्ट अमृत सरोवर वॉज इनागरेटेड बाई मुख्तार अब्बास नकवी इन पटवाई ऑफ विच स्टेट तो ऑप्शन भी उत्तर प्रदेश बट अभी ये रिज़ाइन कर चुके हैं दोस्तों अपनी पोस्ट से अब ये मिनिस्टर नहीं रहे हैं इनका जो माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्ट्री है वो स्मृति ईरानी जी को एडिशनल चार्ज के तौर पर दिया गया है ऑन विच डेट इंटरनेशनल फैमिली डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो ऑप्शन ए हो गया फिफ्टींथ में एंड रिसेंटली शेख मोहम्मद बिन जईद अल नहयान हैज़ बिकम द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ विच गल्फ कंट्री दैट इज ऑप्शन है यू ए ई रीसेंटली विच कंट्री बैडमिंटन टीम हैज़ ओन द टाइटल ऑफ थॉमस कप टू तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी इंडिया ने जीता है इंडोनेशिया को हरा के विच कंट्री फॉर्मर क्रिकेटर एंड्रू साइम्स हैज़ अवे रिसेंटली ये ऑस्ट्रेलिया के हैं एंड हु हैज़ वोन द टेम्पल टन प्राइज फॉर द ईयर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू तो किसने जीता है तो ऑप्शन है फ्रैंक विल्जिक एंड हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की uh, बात करें तो ऑप्शन सी निधि चिब्बर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू सी ई ऑफ एयर इंडिया रिसेंटली तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों कैम्बेल विल्सन बेल विल्सन रीसेंटली हुज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फ्रेंच फैशन कंपनीज लूइस विटॉन दैट इज दीपिका पडकुन एंड दिनेश गुनावर्धना हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री दैट इज ऑप्शन ए श्रीलंका दोस्तों हुज अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया रिसेंटली तो ऑप्शन बी हो गया राजीव कुमार ओके इनविस्ट सिटी इंडिया का पहला बायोगैस पावर्ड ई वी चार्जिंग स्टेशन हैज़ बिन स्टार्टेड रिसेंटली तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मुंबई एंड फेमस पर्सनैलिटी पंडित शिव कुमार शर्मा हैज़ पासड एट द एज ऑफ एटी फोर ये कौन है ये आपको जानना है दैट इज ऑप्शन ए म्यूजिशियन दोस्तों

सो रिसटली विच टेनिस फेयर हैज़ वन द मेन सिंगल टाइटल एंड मैडिट ओपन टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू देन ऑप्शन बी कैलस अलकरस इनका सही नाम है विच इंडियन जर्नलिस्ट रिसीव दुलट प्राइज टू थाउजेंड ट्वेंटी टू पोस्ट मुस्लि तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी दानिश दिखी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ स्टेट हैज स्टार्टेड ए लोन स्कीम नेफ्ट जिवाला फॉर द प्रिजनर्स इन जेल तो ये ऑप्शन डी हो गया महाराष्ट्र एंड वेन इज द वर्ल्ड थलासमिया डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ये हो गया आठ मई को वेन इज मदर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो ऑप्शन ए सेकेंड संडे ऑफ मे वो बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टी वी एस मोटर की बात करें तो ऑप्शन डी सुदर्शन वेनु दोस्तों ऑन विच डेट वर्ल्ड रेड क्रॉस डे सेबरेटेड एवरी ईयर तो ऑप्शन सी ऑन एट्थ मे रिसीव दर्ल्ड फूड प्राइज फॉर द ईयर टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों सिंथिया रोजन वीक एंड रिसेंटली विथ स्टेट मियाँ का बड़ा रेलवे स्टेशन हैज़ बिन रीनेम्ड एज महेश नगर हॉल्ट तो ऑप्शन ए हो गया दोस्तों राजस्थान एंड हुज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वूमन टू स्केल माउंट कंचन जुगा ऑप्शन सी प्रियंका मोहिते एंड हुज वन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप दो हज़ार बाईस की बात करें तो ऑप्शन बी हो गया रोनी वो सोलिवियन हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वेट लिफ्टर टू विन ए गोल्ड मेडल एंड आई डब्ल्यू एफ जूनियर वर्ल्ड चैम्पियनशिप की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों हर्षदा गरुड उसके बाद विच फुटबॉल टीम हैज रिसेंटली द टाइटल ऑफ संतोष ट्रॉफी 2022 किसने जीता है केरला ने जीता है दोस्तों ओके सो द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज स्टार्टेड मुख्यमंत्री मिठान योजना टू प्रोवाइड गवर्नमेंट सर्विसेज टू पीपल सिटिंग एट होम दैट इज ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ एंड व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स फॉर द ईयर टू तो ऑप्शन डी हो गया वन ऑन विच डेट वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी थर्ड में एंड वेन इज वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो ऑप्शन बी ऑन द फर्स्ट ट्यूजडे ऑफ द मंथ ऑफ मे रीसेंटली वो एज बिन अपॉइंटेड एज न्यू एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी तो उनके नए एडवाइज़र uh, कौन बने हैं दोस्तों तो ऑप्शन डी हो गया तरुण कपूर एंड विच इंडियन ऑरिजिन पर्सन एज रिसेंटली बिकम द न्यू चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ द यू एस इंटेलिजेंस एजेंसी की बात करें तो ऑप्शन डी नंद मूलचंदानी दोस्तों विच टू स्टेट सेलिब्रेटेड दर फाउंडेशन डे ऑन फर्स्ट डे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है गुजरात एंड महाराष्ट्र दोस्तों रिसेंटली विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेटअप जीन बैंक प्रोजेक्ट की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया महाराष्ट्र ऑन विच डेट इंटरनेशनल वर्कर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन भी ऑन फर्स्ट में दोस्तों रिसेंटली वो हैज बिन अपॉइंटेड न्यू वॉइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट जनरल बी एस राजू वेन इज वर्ल्ड वेटररी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर दैट इज ऑप्शन ये हो गया दोस्तों थर्टी अप्रैल रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट एयरलाइन कंपनी इन इंडिया टू यूज गगन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ऑप्शन डी इंडिगो एंड रिसेंटली द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट जेम्स रिंगवेल हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ एटी एट दैट इज ऑप्शन ए मेघालय दोस्तों एंड विच सिटी हज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू यूज़ वैक्यूम सीवर टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी आगरा हो गया विच स्पोर्ट फॉर्मर इंडियन फीमेल प्लेयर एलवरा ब्रिटो एज पासडव एट द एज ऑफ एटी वन की बात करें तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए हॉकी हो गया दोस्तों विच विलेज हेज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत रिसेंटली तो ऑप्शन भी हो गया पल्ली जम्मू कश्मीर एंड हुज़ रिसेंटली बिकम द न्यू सी ई ऑफ नॉन बैंक लैंडर कंपनी आदित्य बिरला uh, कैपिटल की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी विशाखा मुले India रिसेंटली तो करेक्ट आंसर है इसको ऑप्शन बी ए पी अब्दुल्ला कुट्टी एंड सेलेक्टेड has लॉरेस्ट selected as ऑफ द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो ऑप्शन सी मैक्स वर्स्टापन ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है फोर्टी फोर बिलियन डॉलर On which date World intellectual property day was celebrated recently? So, option B 26 April. In which city? Union Minister Anurag Thakur has recently inaugurated the second edition of Khelo India University Games. So, ja option C si Bangalore. And the president of Ukraine Vladimir Zelensky has demanded the tag of state sponsor of terrorism for Russia from the president of uh, which country? So, option A America. What is the rank of India in terms of military expenditure? According to the recently released SIPRI report. फॉर द ईयर 2021 की बात करें तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी थर्ड दोस्तों ओके सो रिसेंटली द दमर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री मवाई की बाकी हैज़ पासड एट द एज ऑफ 90 ऑप्शन ए कनिया हो गया दोस्तों हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग रिसेंटली तो ऑप्शन डी सुमन बेरी साहब एंड वेन इज द वर्ल्ड बुक डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन द वर्ल्ड तो ऑप्शन सी ट्वेंटी अप्रैल हो गया दोस्तों हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज न्यू प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू पी मोदी तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी अजय सूद एंड रिसेंटली द फेमस राइटर ऑफ विच लैंग्वेज बिना पानी एट द एज ऑफ एटी फाइव दैन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन है उड़िया हो गया दोस्तों एंड हुज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया टू हैव ए लाइब्रेरी इन एवरी विलेज तो ऑप्शन भी हो गया दोस्तों जमताड़ा झारखंड ऑन विच डेट वर्ल्ड मलेरिया डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है ट्वेंटी फिफ्थ अप्रैल दोस्तों ओके नेक्स्ट वेन इज़ नेशनल पीपल्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑल ओवर इंडिया तो ऑप्शन बी हो गया दोस्तों ट्वेंटी फर्स्ट अप्रिल एंड द प्लेयर ऑफ विथ्स टीम केरान पोलार्ड हैज़ रिटायर फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी वेस्ट इंडीज हो गया दोस्तों रिसेंटली हु हैज़ बिकम द न्यू कंट्री हेड ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया सत्या ईश्वरन एंड विथ स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश यल रूट सर्वर एट द स्टेट लेवल तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों राजस्थान एंड वेन इज़ वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो ट्वेंटी सेकेंड अप्रैल हो गया एंड नेक्स्ट हुज़ बिन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ डेली रिसेंटली तो ऑप्शन भी नरेश कुमार हो गया दोस्तों एंड इन्वेस्टेट इंडियाज़ फर्स्ट प्योर गीर हाइड्रोजन प्लांट हैज़ बिन स्टार्टेड बाई ऑयल की बात करें तो ऑप्शन ए आसाम हो गया है एंड हुज़ बिन अपॉइंटेड एज न्यू एम डी एंड सी ओ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी डिजिट इंश्योरेंस की बात करें तो ऑप्शन ए हो गया दोस्तों जस्लिन कोहली एंड हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन की बात करें तो ऑप्शन बी बिमल कोठारी है ऑन विच डेट वर्ल्ड लिवर डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो ऑप्शन ही हो गया दोस्तों नाइनटीन अप्रैल नेक्स्ट प्रफुलकर हैज़ पासड अवे एट द एज ऑफ 83। थ्री so, सो एक कौन थे दोस्तों ये एक्चुअली ऑप्शन ए लिरसिस्ट थे हुज़ बिन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टॉफ ऑफ इंडिया की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों मनोज पांडे एंड इनविस सिटी इंडिया का पहला रेडियो चैनल फॉर द ब्लाइंड हैज़ लॉन्च नेम रेडियो अक्ष की बात करें तो ऑप्शन डी नागपुर हो गया दोस्तों विच स्टेट हैज़ सेलिब्रेटेड सेवेंटी फिफ्थ फाउंडेशन डे ऑन फिफ्टींथ अप्रैल टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू की बात करें तो ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश हो गया एंड वेन इज़ वर्ल्ड आर्ट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर दोस्तों तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी फिफ्टीथ अप्रैल विच कंट्री हैज़ रिसेंटली गॉट द होस्ट ऑफ स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट वर्ल्ड कप टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन भी हो गया इंडिया एंड हुज़ वन द ऑनर ऑफ़ ई वाई आंट्रप्रिनर ऑफ द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी फाल्गुली नायर दोस्तों ऑन विच डेट वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो ऑप्शन ए हो गया एटीन अप्रैल एंड वेन इज़ वर्ल्ड हेमोफीलिया डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो ऑप्शन भी हो गया दोस्तों सत्रह अप्रैल तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस टू सेलिब्रेट विच डेट एवरी ईयर एज ए इक्वालिटी डे की बात करें तो ऑप्शन ए फोर्टीन अप्रैल हो गया एंड वेन इज़ वर्ल्ड वॉइस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अराउंड द वर्ल्ड तो इसका सही जवाब है ऑप्शन है सिक्सटीन अप्रैल दोस्तों उसके बाद वेन इज़ अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेटेड एवरी ईयर अक्रॉस इंडिया की बात करें तो चौदह अप्रैल हो गया एंड रिसेंटली विच मेल प्लेयर हैज़ ऑनर ऑफ आई सी स्लेयर ऑफ द मंथ फॉर द मार्च टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू की बात करें दैट इज़ ऑप्शन भी हो गया दोस्तों बाबर आजम एंड हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ द यू पी एस सी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें तो ऑप्शन ए डॉक्टर मनोज सोनी साहब को बनाया गया एंड शाहबाज शरीफ हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया दैट इज़ पाकिस्तान उसके बाद हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू रिटायर आउट इन आई क्रिकेट की बात करें तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी रविचंद्र अश्विन विच ड्राइवर हैज रिसेंटली वन यफन ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 की बात करें तो इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन सी चार्लिस लेकल नेक्स्ट रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव लीगल राइट्स टू वाइल्ड एनिमल्स तो ऑप्शन सी हो गया इक्वेडोर एंड वेन इज अ नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों ग्यारह अप्रैल को एंड रिसेंटली हु हुज़ ऑनर्ड विद फर्स्ट इंडियन लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड तो ऑप्शन डी हो गया नरेंद्र मोदी जी एंड वेन इज वर्ल्ड होम्योपैथी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो ऑप्शन बी हो गया दोस्तों दस अप्रैल को ऑन विच डेट वर्ल्ड हेल्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सात अप्रैल को एंड हैज़ वन द बेस्ट न्यू आर्टिस्ट अवार्ड एट सिक्सटी फोर्थ ग्रामी अवार्ड्स की बात करें तो ऑप्शन डी ओलिविया रोड्रिगो रिसेंटली विच टेनिस प्लेयर हैज़ वन मेन सिंगल टाइटल इन मियामी ओपन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो ऑप्शन ये हो गया दोस्तों कार्लस अल्कर एंड विच क्रिकेट टीम हैज रिसेंटली वन द टाइटल ऑफ आईसी वुमेन्स वर्ल्ड कप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया दोस्तों एंड उसके बाद हु हैज़ बिन अपॉइंटेड न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ डेली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है विकास कुमार एंड हुज़ गिवन द सरस्वती सम्मान फॉर द ईयर टू थाउजेंड की बात करें तो ऑप्शन सी रामदर्श मिश्रा दोस्तों एंड रिसेंटली विक्टर ओरबॉर्न बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री फॉर द फोर्थ टाइम तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों हंगेरी एंड हु हैज़ वन द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड इन टू टू तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी ड्राइव माई कार दोस्तों एंड रिसेंटली प्रमोद सावंत हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट फॉर सेकंड टाइम इन एयरोट इज गोवा के बने विच इंडियन प्लेयर हैज रिसेंटली वोन द वोमेन सिंगल टाइटल इन स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन भी पी वी सिंधु विच डे हेज बिन अनाउंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेलिब्रेटेड एज नैशनल डॉल्फिन डे की बात करें तो ऑप्शन भी फिफ्थ अक्टूबर एंड हुज़ बिन अपॉइंटेड एज न्यू फॉरिन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया रिसेंटली तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन भी विनय मोहन क्वात्रा हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ नाव की बात करें तो ऑप्शन भी महेश वर्मा एंड हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जुआलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो ऑप्शन सी डॉक्टर यस राजू हुज़ रिसेंटली वन बी बी सी इंडिया स्पोर्ट्स वूमन ऑफ द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन की बात करें तो ऑप्शन सी मीराबाई चानू द बर्थ डे ऑफ आनंदी गोपाल जोशी सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च तो एक कौन थे दोस्तों एक इंडियाज फर्स्ट वुमेन डॉक्टर थे वेन इज राजस्थान डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑप्शन भी तीस मार्च को विच इंडियन ऑरिजिन पर्सन हैज़ रिसेंटली बिकम न्यू सी ऑफ अमेरिकन कोरियन सर्विस कंपनी जो फेडेक्स के नए सी बने हैं इंडियन ऑरिजिन इनका नाम है ऑप्शन बी राजसुब्रमण्यम वेन वॉज द फाउंडेशन डे ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड फर्स्ट अप्रैल को द फाउंडेशन डे ऑफ विस्ट स्टेट सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन फर्स्ट अप्रिल तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओडिशा का दोस्तों रिसेंटली हुम द हाइएस्ट विकेट टेकर इन आई पी एल क्रिकेट टिल डेट uh, की बात करें तो ऑप्शन ई डी हो गया ड्वेन ब्रावो एंड द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट भीम बहादुर गुरुंग एज पासड अवे एट द एज ऑफ नाइन्टी थ्री तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए हो गया सिक्किम इन विच स्टेट इंडिया का पहला स्टील रोड हैज़ बिन बिल्ट रिसेंटली तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों गुजरात एंड मेडलिन अलब्राइट द फर्स्ट वुमेन फॉरन मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री हैज़ रिसेंटली पासड अवे एट द एज ऑफ एटी फोर की बात करें तो उनका करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन डी हो गया अमेरिका विच स्टेट हैज़ स्टॉप अंडर द बेस्ट स्टेट कैटेगरी इन थर्ड नेशनल वाटर अवार्डस की बात करें तो उसका सही आंसर है ऑप्शन है उत्तर प्रदेश विथ विच ऑर्गेनाइजेशन द बुक इंडियन एग्रीकल्चर टवर्ड्स टू थाउजेंड थर्टी वॉज रिलीज बाई नीति आयोग तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन भी एफ ये वो हो गया विच स्टेट जिंक्वान् जारी और लिविंग रूट ब्रिज हैज़ बिन इंक्लूडेड इन देंटेट लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है मेघालय और इंडिया का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर इज बीइंग एस्टैब्लिश इन विद सिटी ऑफ द कंट्री तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गुरुग्राम दोस्तों विच ऑफ इट्स डिवीजन इंडियन रेलवे कमीशन द फर्स्ट गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की बात करें तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी असनसॉल एंड इन विच इंडियन सिटी द फर्स्ट रोड प्रोजेक्ट मेड अप ऑफ वेस्ट स्टील हैज स्टार्टेड तो कहाँ पे दैट इज सूरत में दोस्तों विथ स्टेट हैज हैजॉप नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेडनेस इंडेक्स की बात करें तो ऑप्शन सी गुजरात

एन ऑटो फर्स्ट अपलीकेशन हेज बी लॉन्च बाई विच बैंक टू प्रोवाइड फुल्ली ऑटोमैटिक ऑटो लोन्स की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन एच डी एफ सी बैंक वट इज़ द टोटल लिमिट ऑफ यू पी आई लाइट बैलेंस फॉर ऑन डिवाइस वैलेट की बात करें तो ऑप्शन भी टू थाउजेंड एंड विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू यूज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स की बात करें तो ऑप्शन बी तेलंगाना विथ विच नॉर्थ ईस्ट कंट्री हैज़ जर्मनी साइंड एंड एनर्जी पैक टू रिड्यूस इज डिपेंडेंसी ऑन रशिया की बात करें तो ऑप्शन भी एंड नेम ship that हैज़ बिकम द लॉन्गेस्ट एवर टू सेल ऑन Brahmaputra रिवर की बात करें तो ऑप्शन सी एम वी प्रसाद बिस्मिल। और इंडिया का पहला वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर हैज़ बिन डेवलप बाई विच कंपनी तो ऑप्शन सी हो गया पावर ग्रिड और रेस्ट अश्योर्ड इसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फॉर्मर क्रिकेटर तो ऑप्शन सी जी आर विश्वनाथ हुज़ बिकम द फर्स्ट पैराथलीट टू रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड्स की बात करें तो ऑप्शन बी देवेंद्र जजारिया हु हैज अनाउंस एज ट्वेंटी थर्ड लेटेस्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया की बात करें तो ऑप्शन सी प्रियंका नुट की उसके बाद इन विच कंट्री महात्मा गांधी ग्रीन ट्राइंगल वॉज इनागरेटेड बाई एम्बेसी ऑफ इंडिया एज ए पार्ट ऑफ इंडिया आज़ादी का अमृत महोत्सव की बात करें तो इसका जो करेक्ट uh, आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी मडागास्कर विच कंट्री वॉज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आर्म्स ड्यूरिंग टू थाउज सेन ट्वेंटी वन एज़ पर सी प्री रिपोर्ट

द ओल्ड टॉलेस्ट स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड गौतम बुद्ध बिग कंस्ट्रक्टेड इन स्लीपिंग पोस्टर की बात करें तो ऑप्शन बी बिहार हो गया विच कंट्री विल बी दिफ्टी फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन गेम्स हेल्ड इन द ईयर 2022 टू तो ऑप्शन ए हो गया वियतनाम द इंडियन आर्मी वर्जन ऑफ मीडियम रेंज सर्फेस्ट इजाइल हैज बिन डेवलप बाई डी आर डी एन पार्टनरशिप विद विच कंट्री तो ऑप्शन ए इजराइल हो गया दोस्तों विच इंस्टीट्यूट है न्यू इंटर डिसिप्लिनरी वॉटर मैनेजमेंट एंड पॉलिस नेम एक्वा मैप टू सॉल्व वाटर प्रॉब्लम इन इंडिया तो ऑप्शन भी हो गया आई आई टी मड्रास विच फिल्म हैज द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द नाइंटी फोर्थ अकेडमी अवार्ड्स की बात करें तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कोड़ा एंड वॉट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड थिएटर डे इन द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए थिएटर एंड कल्चर ऑफ पीस दोस्तों नेक्स्ट हुआ बुक द लिटिल बुक ऑफ जॉय Uh, किसने लिखी है ये ऑप्शन डी दैट इज दस्म टू टू और तेंजिंग गैट्सो ने लिखा है विच कंट्री हैज़ अनौंस टू ऑनर द प्रेजिडेंट ऑफ यूक्रेन व्लाडमिर जेलेंसकी विथ इट्स टॉप स्टेट ऑनर की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है जेक रिपब्लिक एंड विच रेलवे जोन हैज़ लॉन्च इंडिया का पहला गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल की बात करें तो ऑप्शन है ईस्टर्न रेलवे जोन दोस्तों सो so नेक्स्ट है हु हैज़ रिसेंटली वोन इट्स फर्स्ट इंडियन सुपर लीग टाइटल की बात करें तो ऑप्शन भी हैदराबाद एफ़ सी दोस्तों हुज़ बिकम द न्यू एम डी एंड सी ऑफ मारुति सुजुकी इंडिया रिसेंटली तो ऑप्शन बी हिसाशी तकूची विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट नेवा प्रोग्राम रिसेंटली तो ऑप्शन बी नागालैंड हो गया एंड योगी आदित्यनाथ हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर विच कॉन्जिक्यूटू टर्म तो ऑप्शन ए हो गया सेकंड एंड फेमस पर्सनलिटी रमेश चंद्र लाहौती हैज़ पासड द एज ऑफ एटी वन ये कौन थे दोस्तों दैट इज़ ऑप्शन ए फॉर्मर चीफ जस्टिस थे हु हैज़ बिनलेक्टेड एज स्पीकर ऑफ पंजाब लेजिस्टिव असम्बली तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी कुल्तार सिंह संधवा हुज़ वन द फार्मला वन बहरीन ग्रैंड प्रिक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू टाइटल की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दट इज़ ऑप्शन सी हो गया चार्लिस लिकलेरिक रिसेंटली डेनिस पार्नल सुलवियन हैज रिसिव द एबल प्राइज फॉर द ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू इन विच फील्ड इज दिस अवार्ड गिवन तो ऑप्शन डी हो गया दोस्तों मैथामेटिक्स एंड वेरी सेफ अंडर एटीन वुमेन्स चैम्पियनशिप टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ऑर्गेनाइज्ड दैन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी हो गया झारखंड नेक्स्ट वेर एज द थर्टी फिफ्थ सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट पेला स्टार्टेड रिसेंटली तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन बी हो गया फरीदाबाद एंड वेन इज़ द वर्ल्ड मेटोरोलॉजिकल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन डी हो गया ट्वेंटी थर्ड मार्च ओके हु हैज़ बिकम द फर्स्ट पैराथलीट टू रिसीव द पद्म भूषण अवार्ड की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया देवेंद्र झजारिया स्टेट इंडिया का पहला पेपरलेस स्टेट असेंबली हैज़ बिन फॉर्म्ड रिसेंटली तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों नागालैंड एंड इंडिया एंड विच कंट्री हैव स्टार्टेड क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप की बात करें तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी जापान हो गया वेन हैज द वर्ल्ड स्पैरो डे बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली तो ऑप्शन बी ट्वेंटी मार्च एंड आश्रिय प्लेयर एश्लिक बार्ट इज अनाउंस टू रिटायर फ्रॉम विच स्पोर्ट कौन से स्पोर्ट से रिटायरमेंट की बात कर रहे थे टेनिस द रिसेंटली वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट ऑफ आई क्यू एयर विच हैज़ बिकम द वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटी इन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों दिल्ली हु हुटर्न दॉली सौरावजी बायोग्राफी सोली सौरावजी लाइफ एंड टाइम्स रिसेंटली की बात करें तो ऑप्शन बी अभिनव चंद्रचूत विद स्टेट गवर्नमेंट है विल कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ओ बी सी कमीशन की बात करें दोस्तों तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन भी आसाम हो गया है ठीक नेक्स्ट ऑन विच डेट ओल्ड ट्यूबर क्लोसेज डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ट्वेंटी फोर्थ मार्च पुष्कर सिंह धमी हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विद स्टेट फॉर द सेकेंड टाइम तो ऑप्शन बी उत्तराखंड हो गया है दोस्तों हुज़ बिकम द ब्रांड एम्बैसिडर ऑफ द स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा की बात करें तो ऑप्शन सी जॉर्ज रजविल रजिल एंड वेयर एज द ट्वेंटी सिक्स एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल स्टार्टेड रिसेंटली तो ऑप्शन बी तिरुवंतपुरम दोस्तों द फाउंडेशन डे ऑफ विद स्टेट इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन ट्वेंटी सेकेंड मार्च तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन सी बिहार एंड रितु कंदकुरी हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ विद स्टेट असेंबली तो ऑप्शन बी हो गया उत्तराखंड हु अमोंग द फॉलिंग स्टॉप इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है गोवा एंड हुज बिन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेजिडेंट ऑफ बार्क इंडिया ऑप्शन सी शशि सिन्हा दोस्तों द गवर्नमेंट हेज सेट ए टारगेट टू बिल्ड हाउ मेनी एयरपोर्ट्स बाई टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है टू ट्वेंटी वेन इज इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो बीस मार्च को एंड हु हैजन द क्रोन ऑफ मिस वर्ल्ड टू थाउजेंड ट्वेंटी वन करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी हो गया कैरिना बिल्सकावा हुज़ गॉट द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन बाफ्टा अवर्ड्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो ऑप्शन ए द प पावर ऑफ द डॉग एंड वेन इज़ वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो ऑप्शन भी होगा दोस्तों बावीस मार्च को एन बहरन सिंह हैज़ बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विद स्टेट फॉर द सेकेंड टाइम तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मनीपुर एंड हु रिसेंटली वोन द बी बी सी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड की बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी मीरा भाई चानू हु हैज वोन द मैन सिंगल टाइटल इन ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन 2022 थाउजेंड चैंपियनशिप की बात करें तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए हो गया विक्टर एक्सलसन एंड व्हेन इज वर्ल्ड पोएट्री डे से विच इंडियन कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू स्पॉन्सर फीफा वर्ल्ड कप टू टू तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों दट इज ऑप्शन बी हो गया बेजूस पुष्कार सिंह धमी हैजेक चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड तो ऑप्शन है एलेवेंथ दोस्तों विथ इंडियन ओरिजिन डॉक्टर हैज रिसेंटली बिन अपॉइंटेड एज वाइट हाउस कोऑर्डिनेटर ऑफ द कोविड नाइन्टीन रिस्पॉन्स की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया आशीष झा एंड हुज अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आई एल ओ की बात करें तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गिलबर्ट होंगू हु एक्सपर्ट रिपोर्टनेस इंडेक्स रिलीज बाई नीति आयोग तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी गुजरात एंड रिसेंटली वो हैज बिन अपॉइंटेड एज न्यू कमांडेंट ऑफ इंडियन एयरफोर्स अकेडमी की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी बी वंद्रशेखर वाट द रैंक ऑफ इंडिया इन द रीसेंट रिलीज वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों वन ऑन सिक्सथन विच डेट एवरी ईयर नेशनल इम्यूनाइजेशन डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों सोलह मार्च को इन विच सिटी इंडिया का पहला होली वुमेन ओन्ड एफ इंडस्ट्रियल पार्क हैज़ बिन ओपन रिसेंटली तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हैदराबाद एंड हुज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट ऑफ हंगेरी देन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन भी कैटलिन नो वॉक विद स्टेट गवर्नमेंट एज रिस अनाउस्ड क्यू सुषमा स्वराज पुरस्कार टू उमेन की बात कर रहे हैं तो हरियाणा गवर्नमेंट हुज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी रिसेंटली तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन है अजय भूषण पांडे विद स्टेट गवर्नमेंट एज रीसेंटली लॉन्च न्यू स्पोर्ट्स पॉलिसी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी सेवन तो ऑप्शन भी हो गया गुजरात इट विच स्टेट द टालेस्ट स्टैचू हंड्रेड फीट ऑफ लॉर्ड बुद्धा इन स्लीपिंग पोस्टर इज बिंग कंस्ट्रक्टेड तो ऑप्शन बी बिहार हो गया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अवार्ड टू द फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सुरेश रैना जी की बात करें तो ऑप्शन सी मालदीव विच मेल प्लेयर गिवेन दई सी सी प्लेयर ऑफ दंथ अवार्ड फॉर फेब्रुवरी टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी श्रेयासर दोस्तों इन द डिफेंस मिनिस्ट्री तो ऑप्शन सी विनोद जी कंढारे who रिसेंटली recently द गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड इन द सेंट्रल बैंकिंग Banking Awards 2022, तो ऑप्शन भी होगा दोस्तों मैरियो मार्सल द नाइन्थ जॉइंट मिल्ट्री एक्सेस लमदेंड ट्वेंटी टू हेज़ बीन स्टार्टिड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शिचलिस सो वैन इज इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो ऑप्शन है 14th मार्च दोस्तों Who बिकम द फास्टेस्ट इंडियन बैट्समैन टू स्कोर द फास्टेस्ट फिफ्टी इन ट्वेंटी एट बॉल्स इन द टेस्ट क्रिकेट तो इसका जो सही जवाब है दैट इज़ ऑप्शन सी हो गया ऋषभ पंत ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं सो रिसेंटली भागवत मंथ हैज़ बिकम द सेवनटींथ चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट देन द करेक्ट आंसर विल बी दैट इज़ ऑप्शन बी हो गया पंजाब एंड हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ऑयल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इसका जो सही आंसर हो गया ऑप्शन बी रंजीत रथ दोस्तों रिसेंटली योंग सुक यूल हैज़ बिकम द न्यू प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री तो ऑप्शन बी हो गया साउथ कोरिया द टेक कंपनी सैमसंग हैज ओपन इंडिया फर्स्ट वुमेन ऑपरेटेड मोबाइल स्टोर इन विच सिटी दोस्तों ऑप्शन सी अहमदाबाद हैज बिन अपॉइंटेड एज न्यू सी ओ बाई कोलगेट इंडिया की बात करें तो ऑप्शन ए प्रभा नरसिमन एंड हु हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो ऑप्शन डी हो गया देवशीष पांडा विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट टू यूज क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स दैट इज़ ऑप्शन सी तेलंगाना द गवर्मेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ रीसेंटली स्टार्टेड कौशल्य मातृत्व योजना फॉर डॉटर्स दैट इज छत्तीसगढ़ विच कंट्री फॉर्मर प्रेजिडेंट रफीक तरार हैज़ पासड अवे एट द एज ऑफ नाइनटी टू की बात करें तो ऑप्शन बी अफगानिस्तान एंड नस्ट्रोलियन प्लेयर शेन वॉन रिलेटेड टू विच स्पोर्ट हैज़ पासड अवे एट द एज ऑफ फिफ्टी टू दैट इज़ ऑप्शन ए क्रिकेट हो गया दोस्तों वैन वॉज वन एटी सेवंथ असम राइफल राइजिंग डे सेलिब्रेटेड रीसेंटली तो ऑप्शन बी ट्वेंटी फोर मार्च

gi tac option c tamil nadu recently the government of which state has announced to implement camel production and development policy to say answer hai. option c rajasthan which country former cricketer rod marsh has passed away at the age of 74 that is option b australia on which date the rising day of central industrial security force is celebrated every year to option c 10th march on which date old wildlife day is celebrated every year तो ऑप्शन बी थर्ड मार्च एंड हु हुज़ रिसेंटली अपॉइंटेड एज न्यू पुलिस कमिश्नर ऑफ मुंबई बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो ऑप्शन सी संजय पांडे हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल की बात करें तो ऑप्शन डी जस्टिस डी एन पटेल वैन इज़ इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एट मार्च एंड वैन एज अर्थ अवर टू थाउजेंड ट्वेंटी टू हेज़ बिन सेलिब्रेटेड मंथली तो ये ट्वेंटी सिक्स मार्च हो गया दोस्तों

तो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन है ट्वेंटी नाइन इन विच स्टेट इंडिया का पहला अल्कोहल म्यूजियम ओपन किया गया रिसेंटली तो ऑप्शन सी गोवा इज द राइट आंसर हु हैज बिन अपॉइंटेड एज न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिश टीवी इंडिया तो ऑप्शन है ऋषभ पंत को अपॉइंट किया गया है एंड वेन इज द सेंट्रल एक्साइज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर तो ऑप्शन सी हो गया दोस्तों ट्वेंटी फोर्थ फेबरवरी अकॉर्डिंग टू द रिसेंट अनाउंसमेंट इन विच कंट्री द फर्स्ट आई आई टी इंस्टीट्यूट विल बी ओपन आउटसाइड इंडिया यह बताया जा रहा है तो ऑप्शन सी हो गया यू ए एंड हुज बिकम द फर्ट इंडियन प्लेयर टू विन सिल्वर मेडल इन पैरा वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी पूजा जटायन दोस्तोंडर ऑफ भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस देन करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी विद्या बालन एंड हुज बिकम द वुमन क्रिकेटर टू प्ले द मोस्ट नंबर ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप की बात करें तो ऑप्शन डी मिथाली राज हुज बीन अपॉइंटेड एज न्यू सी ऑफ एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज तो ऑप्शन डी संजीव कपूर एंड हुज बीन अपॉइंटेड एज न्यू सी ऑफ यशराज फिल्म की बात करें तो अक्षय विधि इनका नाम है एंड हुज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन पर्सन टू भी अवॉर्डेड द बोल्ड्समैन मेडल दोस्तों सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन डी हो गया दीपक धार रिसेंटली द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट हेमानंद बिस्वाल एज पासड अवेट द एज ऑफ एटी टू की बात करें तो ऑप्शन बी उड़ीसा द गवर्नमेंट ऑफ दिस स्टेट एज रिसली अनाउंस द क्रिएशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क की बात करें तो ऑप्शन सी हो गया डेली एंड रिसेंटली वो हैज़ बिन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वुमेन प्रेजिडेंट ऑफ सेबी की बात करें तो माधावी पूरी वुच जी को माधवी एक्चुअली uh, उनको अपॉइंट किया गया है विच कैंपेन हैज बिन लॉन्च रिसेंटली बाय द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन टू प्रमोट कल्चरल डाइवर्सिटी की बात करें तो ऑप्शन ई हो गया भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी विच प्लेयर हैज रिसेंटली वन मैन सिंगल टाइटल इन द मेक्सिको ओपन टेनिस टूर्नामेंट टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की बात करें तो ऑप्शन सी राफेल नडाल हु हैज़ वन द लीडिंग एक्टर अवार्ड इन बाफ्टा अवार्ड्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू तो ऑप्शन बी हो गया दोस्तों विल स्मिथ एंड विच कंट्री हैज़ लॉन्च इस फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन की बात करें तो ऑप्शन डी हो गया अभी आ, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ पे फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन लॉन्च करने वाली जापान है दोस्तों इट इज़ नॉट यहाँ पे गलत लिखा है इंडिया एंड विच कंट्री साइन द ब्लू इकोनॉमी रोड मैप की बात करें तो ऑप्शन ए फ्रांस हो गया एंड विच कंट्री हैज़ रिसेंटली डिवाइडेड यूक्रेन इंटू थ्री पार्ट्स तो ऑप्शन सी रशिया

2022 लेटेस्ट एडिशन है दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और थैंक यू सो मच फॉर योर डोनेशन टू द प्रोक्सी गन आई कैन सी कि कई सारे लोग हमको आगे बढ़कर सपोर्ट कर रहे हैं आई uh, होप कि आप इसी तरह आपका सपोर्ट बनाए रखेंगे दोस्तों एंड आपको कोई भी किताब चाहिए आप डेफिनेटली हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा वी विल डेफिनेटली ब्रिंग ए लेक्चर ऑन इट ओके तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों थैंक यू सो मच